चैप्टर शेयर हो रहा है ना ये? ठीक जी सर। है, हम नेक्स्ट टॉपिक अभी आपको पढ़ाते हैं। एंड रिगार्डिंग, देखो हमने वी कवर्ड, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, वी कवर्ड थ्री स्टेप्स ऑफ अकाउंटिंग, राइट। सर वालेकुम अस्सलाम भाई, क्या हाल है? देखिए लास्ट क्लास में हमने, और फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी सॉल्व किया, अकाउंटिंग साइकिल से रिलेटेड थ्री स्टेप्स वी कवर्ड यस्टरडे, राइट। तो क्या था? जनरलाइजिंग द ट्रांजेक्शन, जनरल जनरल है, आपको बताया था दिस इज मेड ऑन डेली बेसिस, है पोस्टिंग द जनरल एंट्रीज फ्रॉम द जनरल जनरल टू लेजर अकाउंट, दिस इज ऑल्सो डन ऑन द डेली बेसिस, डे टू डे बेसिस। और फिर थर्ड स्टेप आपको कराया था, इसका क्वेश्चन भी था कि एडजस्टेड प्रिपेयर एंड एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस, इट इज मेड इन दिस जॉब इज डन ओनली एट मंथ एंड और ईयर एंड, ठीक है, मंथ एंड और ईयर एंड, ठीक है। यह जॉब है जो थर्ड स्टेप है, ये डेली बेसिस पे नहीं होगा, ठीक है। अब हम आ गए नंबर फोर्थ पे, मेकिंग एडजस्टिंग इन दी जनरल जनरल, ठीक है, एंड पोस्टिंग ऑन टू इन टू द लेजर, इन टू द लेजर अकाउंट एट पीरियड एंड, दिस इज ऑल्सो डन एट मंथ एंड, आफ्टर मेकिंग द अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस देन वी कम टू द फोर्थ स्टेप। फर्स्ट ऑफ ऑल थर्ड स्टेप हम कंप्लीट करेंगे इन ऑल रिस्पेक्ट, फर्स्ट टू थ्री, देन वी स्टार्ट द स्टेप नंबर फोर, दिस विल ऑल्सो बी डन एट मंथ एंड, आफ्टर सीइंग दैट द थर्ड स्टेप इज ओके, थर्ड स्टेप इज ओके। जो आप यूँ समझ लो कि ये फोर्थ स्टेप कब होगा, जब आपके असिस्टेंट ने ये रिपोर्ट निकाली फोर्थ थर्ड स्टेप की अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में, और इसको मैनेजर ने देखा, इसको अकाउंट्स मैनेजर ने, ठीक है, एंड ही बिकम से ही बिकेम सेटिस्फाइड, राइट, देन ही विल अलाउ टू पास द जनरल एंट्रीज इन टू द लेजर एंड पोस्ट दीज टू द रिस्पेक्टिव लेजर, देन फोर्थ स्टेप तब आएगा आपका। तो नाउ वी डिस्कस टुडे द फोर्थ स्टेप, ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, विदाउट डूइंग फोर्थ स्टेप वी कैन नॉट प्रिपेयर द इनकम स्टेटमेंट, ठीक है, दिस इज सो इंपॉर्टेंट, ऑल्दो इट इज डन एट मंथ एंड, लास्ट डे ऑफ द मंथ, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, राइट। विदाउट डूइंग दिस इनकम स्टेटमेंट विल बी इनकरेक्ट, बैलेंस शीट विल बी इनकरेक्ट विदाउट अटेम्प्टिंग सक्सेसफुली स्टेप नंबर फोर, राइट। क्या स्टेप नंबर फोर? देखिए, राइट, स्टेप नंबर फोर को अब हम डिस्कस करते हैं, राइट, वो मेकिंग एडजस्टिंग एंट्रीज। देखिए अब इसको आपने बहुत अच्छी तरह समझना है, गौर से सुनो, कोई भी क्वेश्चन हो इस टॉपिक को, जैसे मैं इसे एंड करूं तो आप पूछ सकते हो, यू आर ऑल वेलकम, राइट। मेकिंग एडजस्टिंग एंट्रीज, एडजस्टिंग एंट्रीज आर मेड, पहले देखो ये क्यों, व्हाई इट इज नेसेसरी, ठीक है। देखो एडजस्टिंग एंट्रीज आर मेड इन ऑर्डर टू रिकॉर्ड रेवेन्यूज इन द पीरियड इन विच इट अर्न्स एंड टू रिकॉग्नाइज एक्सपेंस इन द पीरियड इन विच इट इनकर्स, राइट। देखो ये इसका मकसद है, एडजस्टिंग एंट्रीज आर मेड एट मंथ एंड पे क्यों कर रहे हैं, टू रिकॉर्ड रेवेन्यूज इन द पीरियड इन विच इट अर्न्स, है। पहला तो ये कि इसको इसलिए किया जाता है कि हमने वो सारे रेवेन्यूज रिकॉर्ड करने हैं, अगर वो जैसे मंथ चल रहा है दिसंबर का, ठीक है, दिसंबर में जितना भी रेवेन्यू हमारा अर्न हो गया है, ठीक है, अर्न हो गया है यानी कि वो आपका इनकर हो गया, ठीक है, तो हमने उसको रिकॉर्ड करना है लास्ट में, वेदर वी रिसीव द मनी आर नॉट। सेकेंडली टू रिकॉग्नाइज एक्सपेंस इन द पीरियड इन विच इट, और फिर एक्सपेंस को भी रिकॉग्नाइज करना है कि जो इस पीरियड में इनकर हो चुका है, राइट, ये मेन मकसद है इसका, ठीक है। तो दस एडजस्टिंग इंट्रीज आर टूल्स बाय विच अकाउंटेंट्स अप्लाई द रेवेन्यू रिकॉग्निशन एंड मैचिंग प्रिंसिपल, देखो ये एक टूल है आपका, क्या है, इसकी मदद से अकाउंटेंट जो होगा वो कंपनी का अकाउंटेंट, वो रेवेन्यू, देखो अप्लाई द रेवेन्यू रिकॉग्निशन एंड मैचिंग प्रिंसिपल, इसका मतलब यही है कि रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज किया, ठीक है, और उससे रिलेटेड
जो एक्सपेंसेस हैं मैच कर रहे हैं, ठीक है, यानी कि जिस महीने का रेवेन्यू है उसी महीने के एक्सपेंसेस उसमें मैच करने हैं, है ये मकसद है इसका, क्योंकि यहाँ एडजस्टिंग एंट्रीज का हमने रेवेन्यू रिकॉग्नाइज किया। सपोज सपोज एक एग्जांपल यहीं पर दे दूँ, एक सेल्समैन है, सेल्समैन कंपनी उसको कमीशन दे रही है, सेल्समैन कमीशन, क्या है कमीशन, के एक मिस्टर जावेद एक आपका सेल्समैन है, इसको अपॉइंट किया हुआ है, नॉर्थ एरिया देखना आपने, है नॉर्थ एरिया की सेल आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है। अब उसने सेल किया और उसको कमीशन दिया हुआ है कि भाई सैलरी के अलावा आपको 2% कमीशन भी मिलेगा, जितनी आपकी वजह से सेल होगी हम कंपनी से 5% आपको कमीशन भी देगी, ठीक है। अब इसने नॉर्थ के एरिया में अपनी स्ट्रगल से दिसंबर के महीने में 5 लाख की सेल इसकी वजह से हुई, ठीक है। अब इसका मतलब हुआ कि इसका जो सेल्समैन कमीशन है ना वो भी हमने दिसंबर में ही रिकॉर्ड करना, यानी कि 5%, अगर 5 लाख का जो 5% है वो एक्सपेंस होगा वो भी हमने दिसंबर में रिकॉग्नाइज करना, ये नहीं कि ये दिसंबर में तो रेवेन्यू रिकॉग्नाइज हो गया और उसका मैचिंग जो है वो जुलाई जनवरी में चला गया, नहीं, इसका मतलब इसके रिलेटेड एक्सपेंसेस सारे दिसंबर में, तभी तो फिर इनकम स्टेटमेंट करेक्ट होगी ना, राइट, अदरवाइज तो इनकम स्टेटमेंट यहाँ की ओवर स्टेट प्रॉफिट हो जाएगा अगर ये नहीं चार्ज किया, और नेक्स्ट मंथ की अंडर स्टेट हो जाएगा प्रॉफिट, राइट। इसलिए ये पहला देखो, दस एडजस्टिंग इज अ टूल्स बाय विच, टूल्स है ये, ठीक है, जिसकी मदद से हम अकाउंटेंट्स अप्लाई द रेवेन्यू रिकॉग्निशन एंड मैचिंग प्रिंसिपल, राइट। तो देखिए आगे चले, सुनते जाए कहानी, दस एडजस्टिंग एंट्रीज मेक इट पॉसिबल टू रिपोर्ट ऑन द बैलेंस शीट द अप्रोप्रिएट एसेट्स, अप्रोप्रिएट प्रॉपर एसेट्स लाइबिलिटीज ओनर इक्विटी एट स्टेटमेंट डेट, ठीक है। जैसे स्टेटमेंट डेट हमारी है दिसंबर की हम बना रहे हैं, तो 31 दिसंबर की जो स्टेटमेंट होगी वो अप्रोप्रिएट एसेट्स लाइबिलिटीज और ओनर इक्विटी हो। सिमिलरली एडजस्टिंग एंट्रीज आर मेक इट पॉसिबल टू रिपोर्ट इन द इनकम स्टेटमेंट, पहले बैलेंस शीट की बात हुई तो बैलेंस शीट में एसेट्स लाइबिलिटीज को अगर ये एडजस्टिंग एंट्री हम नहीं पास करेंगे तो हमारे अप्रोप्रिएट एसेट्स नहीं होंगे, लाइबिलिटीज भी नहीं होंगी, ओनर सिक्योरिटी भी नहीं होगी, ठीक है। सिमिलरली एडजस्टिंग आल्सो मेक इट पॉसिबल रिपोर्ट ऑन द इनकम स्टेटमेंट द रिपोर्ट ऑन द इनकम स्टेटमेंट द प्रॉपर रेवेन्यूज एंड एक्सपेंसेस फॉर द अकाउंटिंग पीरियड, ठीक है। जो अकाउंटिंग पीरियड आपका है जैसे दिसंबर है, ठीक है, ये पूरे साल का, तो हमने प्रॉपर रेवेन्यूज हो या एक्सपेंसेस, यानी कि जो होने चाहिए, ठीक है। एडजस्टिंग इज आर यूजुअली मेड ऑन द लास्ट डे ऑफ एन अकाउंटिंग पीरियड, ठीक है। अकाउंटिंग पीरियड का मतलब होता है मंथ पीरियड लास्ट डे, है ये जैसे दिसंबर का महीना है तो लास्ट डे 31 दिसंबर, है नवंबर का होता तो 30 नवंबर, ठीक है, ये पास की जाएंगे सारी, ठीक है, लास्ट डे ऑफ द मंथ, राइट। दस एडजस्टिंग इट इज नीडेड कंपल्सरली बिकॉज नंबर 1, देखो क्या क्या है, अब इसको हम बुलेट्स की शक्ल में आपको बता रहे हैं, ठीक है। नंबर 1 देखिए, दस एडजस्टिंग एंट्रीज नीडेड कंपल्सरली, क्यों, बिकॉज नंबर 1 एक कंपनी में है पेड, और देखो ये इस एग्जाम्पल को समझो, ठीक है, एक कंपनी में है पेड फॉर 6 मंथ्स फॉर इंश्योरेंस कवरेज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट एंड एसेट, ठीक है, यानी कि ये समझो ये जनरल एंट्री पास हुई है ड्यूरिंग द मंथ, कंपनी ने 6 महीने का इंश्योरेंस पे कर दिया एडवांस में, फर्ज करो 6,000 पे किया, और वो इंश्योरेंस है 6 मंथ्स का, जाहिर है 1 तारीख को पे किया फर्ज करो दिसंबर की, तो वो तो एक्सपेंस नहीं, वो 6 महीने का एक्सपेंस ये है, तो उसको रिकॉर्ड किया कंपनी ने प्रीपेड एक्सपेंस डेबिट और कैश क्रेडिट जनरल एंट्री में आ गया, अब मंथ एंड हो गया एंड वी नो कि दिस दैट इंश्योरेंस दैट वी पेड इन ऑन जनवरी ऑन दिसंबर 1 या दिसंबर 2 एंड दैट वाज रिलेटिंग टू 6 मंथ, नो 1 मंथ पास्ट है, 1 मंथ आपका गुजर गया, इसका मतलब नाउ वी हैव टू एडजस्ट प्रीपेड एक्सपेंस, ठीक है, 6,000 का अमाउंट था, अब हमने 1,000 रुपए उसमें से 6 महीने का है ना सपोज, तो 6 मंथ को अगर हम 6,000 को 6 से डिवाइड करते हैं
1000 की फिगर आती है, इसका मतलब नाउ वी हैव टू कन्वर्ट आउट ऑफ 6000 1000 इनटू एक्सपेंस, राइट, इंश्योरेंस एक्सपेंस। तो यहाँ पर एडजस्टिंग एंट्री हम पास करेंगे कि इंश्योरेंस एक्सपेंस डेबिट 1000 एंड प्रीपेड एक्सपेंस क्रेडिट 1000, इसका मतलब एसेट को कम कर दिया कि डेबिट को क्रेडिट कर दिया हमने, प्रीपेड तो रिड्यूस हो गया, एसेट को क्रेडिट करेंगे रिड्यूस होगा, और एक्सपेंस को बढ़ाना 1000 से सिर्फ, ठीक है। तो ये एडजस्टिंग एंट्री के थ्रू आया, ठीक है। एंड ये भी याद रखो, एडजस्टिंग एंट्री में कभी कैश नहीं इन्वॉल्व होगा, कैश नहीं इन्वॉल्व होगा, ठीक है। बट द अकाउंटिंग पीरियड ऑन ओनली 1 month, दिस मीन दैट 1 month एक्सपेंस हैव टू बी रिकॉर्डेड एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड, दैट इज आफ्टर 1 month, ठीक है। ये देखो, पहला आपको बताया कि एक कंपनी में है पेड, ये देखो अभी एग्जाम्पल फिर रिपीट कर रहा हूँ, 6 महीने का इंश्योरेंस पे किया, तो जाहिर है रिकॉर्ड कंपनी ने किया प्रीपेड इंश्योरेंस, प्रीपेड एक्सपेंस का मतलब वही प्रीपेड इंश्योरेंस डेबिट और कैश क्रेडिट, ठीक है। जब मंथ एंड गुजर गया तो 1 महीने का एक्सपेंस में चला गया वो, ठीक है। अब एडजस्टिंग एंट्री जरूरी है पास करना, तो हम पास करेंगे इंश्योरेंस एक्सपेंस डेबिट और प्रीपेड इंश्योरेंस क्रेडिट, ठीक है। तो इस तरह की हो जाएगा, ठीक है, क्लियर। अब सेकेंड स्टेप पे आओ, एक ये बताया आपको, नंबर टू, ठीक है, एक कस्टमर पेड टू ए कंपनी, अब ये एक सेकेंड एग्जाम्पल दे रहे हैं, एक कस्टमर पेड टू ए कंपनी इन एडवांस, कस्टमर ने कंपनी को एडवांस में पैसा दे दिया, और अभी रेवेन्यू, ये सेकंड आपको एग्जांपल दी, थर्ड रेवेन्यू हैज बीन अर्न, ठीक है। अभी देखो, दो केस थे, ये डेफरल से रिलेटेड कहलाते हैं कि चीज एक एडवांस में हो गई है, ठीक है, या पैसा हमने रिसीव किया हुआ है या पैसा हमने पे किया, ठीक है। जैसे ये फर्स्ट में था, हमने पैसा एडवांस में पे कर दिया था, तो ये भी डेफरल है, ठीक है, कि एडवांस, और दूसरा था कि हमने एडवांस में रिसीव कर लिया, ये भी डेफर्ड कर दिया उसको, ठीक है। थर्ड क्या है कि ना हमने रिकॉर्ड किया है, ना पे किया है, ना रिकॉर्ड किया है। थर्ड, रेवेन्यू हैज बीन अर्न बट इट हैज नॉट येट बीन रिकॉर्डेड, क्या मतलब कि मंथ एंड हो गया, हमें रेवेन्यू हमने अर्न कर लिया लेकिन हमने रिकॉर्ड नहीं किया, इसका मतलब पैसा नहीं आया इसलिए रिकॉर्ड नहीं किया, लेकिन मंथ एंड हो गया, रेवेन्यू अर्न कर लिया, इसको हमने रिकॉर्ड करना है, ठीक है। इसकी एग्जाम्पल है, इनकम अर्न एट मंथ एंड ऑन कैश डिपॉजिटेड इन टू बैंक, कंपनी ने बैंक में पैसा जमा कराया हुआ था, जैसे फिक्स एसेट, फिक्स आपके डिपॉजिट्स किया हुआ था, सेविंग या फिक्स डिपॉजिट्स, ठीक है। अब उस पे जाहिर है कि आपको इंटरेस्ट मिलता है, ठीक है। कंपनी बैंक तो जरूरी नहीं कि आपको मंथ एंड पे पैसा दे दे, हो सकता है 6 महीने बाद क्रेडिट करती हो, लेकिन आपने अब रेवेन्यू को रिकॉर्ड करना, देखो रेवेन्यू हैज बीन अर्न बट इट हैज नॉट बीन रिकॉर्डेड, ठीक है। क्या ये एग्जाम्पल दिया आपको, दैट इज इनकम अर्न एट मंथ एंड ऑन कैश डिपॉजिट, कंपनी ने 5 लाख रुपए कैश जमा करा हुआ, ठीक है। अब मंथ एंड हुआ, 10% इंटरेस्ट दे रही, या चलो 12% इंटरेस्ट दे रही, बैंक 12% इंटरेस्ट दे रहा, ठीक है। तो अब हमने 1 महीने का इंटरेस्ट रिकॉर्ड करना है, 5 लाख रुपए बैंक ने में पैसा कंपनी ने जमा कराया हुआ है, उस पर 1 महीने का इंटरेस्ट देना है, ठीक है। तो 12% लिया, ठीक है, तो ये तो 1 साल का है, इसको डिवाइड कर दिया 12 से, तो 1 महीने का बनता आ गया, तो 5000, ठीक है। मैंने क्या किया, तो 5 लाख रुपए, गौर से सुनो, कंपनी ने पैसा जमा कराया हुआ बैंक में, और बैंक दे रहा है 12% इंटरेस्ट, इंटरेस्ट रेट होता है हमारा हमेशा एनुअली, ठीक है। तो अब 5 लाख का हमने लिया 12%, 12 तो 60,000 आ गया, ये तो पूरे 12 महीने का, 1 साल का डिवाइड कर दिए 12 से, तो 1 महीने का तो 5,000, तो हम यहाँ पर इंटरेस्ट रिकॉर्ड करेंगे कि इंटरेस्ट है रिसीवेबल डेबिट और इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट, ये एंट्री हो जाएगी, कंपनी करेगी, है ये अक्रूअल है, अक्रू हो गया, यानी कि कुछ इंक्रीज हो गया, है अक्रू का मतलब होता है चीज अमाउंट इंक्रीज हो गया, ठीक
रिकॉर्ड नहीं किया, पैसा अभी मिल नहीं रहा, इसको रिकॉर्ड करना है। थर्ड में, फोर्थ क्या, देखो एक्सपेंस हैव बीन इनकर्ड। अब देखो यहाँ पर बात हो रही है, एक्सपेंस इनकर हो गया बट इट हैज नॉट बीन ये रिकॉर्डेड एट मंथ एंड। इसका मतलब ये मिसाल है वैसे ही कि आपने बैंक से पैसा लिया हुआ है, बैंक से पैसा लिया हुआ है, बैंक से 10% चार्ज कर रहा है, तो 1 महीने का इंटरेस्ट हम यहाँ रिकॉर्ड करेंगे कि इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट और इंटरेस्ट पेबल क्रेडिट है, लाइबिलिटी आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम भाई उसी तरह लेंगे कि 10% है, फर्ज करो 10 लाख रुपए कंपनी ने पैसा लिया हुआ है बैंक से, तो 1 महीने का इंटरेस्ट 10% डिवाइड बाई 12, 1 महीने का इंटरेस्ट चार्ज हो जाएगा। और वो इसको रिकॉर्ड कैसे करोगे, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट इंटरेस्ट पेबल क्रेडिट। ठीक है, जैसे वहां था इंटरेस्ट रिसीवेबल डेबिट था या इंटरेस्ट पेबल क्रेडिट हो जाएगा। कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एडजस्टिंग एंट्री इज दैट इट विल इन्वॉल्व वन इनकम स्टेटमेंट अकाउंट एंड वन। नॉर्मली क्या होता है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है एडजस्टिंग एंट्री के, कोई एक इनकम स्टेटमेंट को अकाउंट इनकम स्टेटमेंट के अकाउंट को हिट कर रही होती है ये एडजस्टिंग एंट्री, और एक बैलेंस शीट अकाउंट के एलिमेंट्स को हिट कर रही है। ये मकसद है कि पर्पज एडजस्टिंग एंट्री इज टू शो इफेक्ट ऑफ ऑल फाइनेंशियल इवेंट्स ऑन द फाइनेंशियल, ये इसका पर्पज है कि सारे इफेक्ट्स जो महीने के हैं वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे आ जाए। ठीक है, तो अब देखिए इसको आगे पेज पे देखो, इसी की ये सब एग्जाम्पल थी। अब इसको हमने आपको ये देखिए टाइप्स सब बता दिए, अब हम बता रहे कि इनकम स्टेटमेंट की टाइप्स क्या है। ठीक है, ठीक है, ये चीजें हमने एग्जाम्पल से समझाया, टाइप्स ऑफ इनकम एडजस्टिंग एंट्रीज आर। अब ये याद रखो, जब भी एडजस्टिंग एंट्री का आप करोगे ना, इसकी जनरल जनरल में पास करोगे, तो आपने सबसे पहले क्या काम करना है अपने जहन के अंदर है, ये क्रिएट कर लो कि यार ये डेफरल है या अक्रूअल से है, पहले पहले इसमें उसको क्लासिफाई कर दो। एडजस्टिंग एंट्री आप बैठे हुए हो एग्जाम में है, आपको एडजस्टिंग एंट्री पास करनी है, आपने एडजस्टिंग एंट्री का जो ट्रांजेक्शन है कि उसको रीड किया और उसको फौरन जहन में ले आए ये डेफरल है या अक्रूअल है। ठीक है, अभी आपको बता रहे हैं डेफरल क्या है अक्रूअल है। ठीक है, सबसे पहले ये आपने लेना डेफरल है या अक्रूअल से। डेफरल का मतलब है कि एक तो ये कि वो प्री पेमेंट से, क्या नाम है, या तो डेफरल का मतलब है कि या तो आपने एडवांस में पैसा दे दिया है जो कि एक्सपेंस में क्रिएट हो जाएगा बाद में, या आपने एडवांस में रिसीव कर लिया। ठीक है, डेफरल मीन्स देखो डेफरल डेफर कर दिया फ्यूचर पे। ठीक है, तो डेफरल में क्या है, देखो या तो आपने एडवांस में पैसा दे दिया एक्सपेंस के लिए, अभी वो एक्सपेंस हुआ नहीं, या आपने एडवांस में पैसा कस्टमर से रिसीव कर लिया। ठीक है, दो चीजें होंगी तो ये डेफरल होगा। ठीक है, केस ये हो रहा होगा। और दूसरा है अक्रूअल्स, कि सिरे से आपने कुछ रिकॉर्ड किया नहीं और वो इनकर हो गया या अर्न हो गया, यानी कि रेवेन्यू अर्न हो गया या एक्सपेंस इनकर हो गया बट नॉट रिकॉर्डेड किया। डेफरल में आपने पास्ट में या तो प्रीपेड में आपने डेबिट किया हुआ होगा या अनअर्न में क्रेडिट किया होगा लाइबिलिटी को। ठीक है, यहाँ पर आपने कुछ रिकॉर्ड नहीं किया हुआ है अक्रूअल्स में, लेकिन वो अक्रू हो गया मंथ एंड पे पता लगा। ठीक है, वो चीज ड्यू हो गई, या तो जैसे मिसाल है इंटरेस्ट इनकम या इंटरेस्ट एक्सपेंस। ठीक है, ये अक्रूअल की बेस्ट एग्जाम्पल है। ठीक है, तो अब आए नेक्स्ट पे आइए डेफरल। ठीक है, डेफरल की दो टाइप्स हैं जो कि आपको बताएंगे अब। डेफरल्स प्री पेमेंट क्या है, कैश पेड इन एडवांस प्रायर टू इट्स एक्सपेंस। डेफरल में क्या हो सकता है, कैश पेड इन एडवांस, अभी कहानी भी मैंने पीछे बहुत सुनाई है, इन एडवांस प्रायर टू इट्स एक्सपेंस एंड रिसीव्ड कैश फ्रॉम कस्टमर प्रायर टू गिविंग सर्विसेज। या तो आपने कैश एडवांस में पे कर दिया और अभी वो एक्सपेंस नहीं था जब पे कर रहे थे, उस वक्त एक्सपेंस में नहीं हुआ था। ठीक है, जैसे एडवांस में आपने रेंट पे कर रहे हो तो वो एडवांस में पे कर रहे हो, वो उस वक्त तो पेमेंट के टाइम तो एक्सपेंस नहीं है, वो प्री पीरियड में चला गया। या रिसीव कैश कस्टमर से एडवांस में पैसा लिया और सर्विस दी नहीं अभी, या गुड्स डिलीवरी नहीं की और एडवांस ने कस्टमर ने पैसा दे दिया आपको। ठीक है, आपकी रिक्वायरमेंट हो सकती है ऐसी। ठीक प्रायर टू गिविंग सर्विस, तो कंपनी उसको रेवेन्यू में नहीं रिकॉर्ड कर सकती जब तक गुड्स डिलीवर ना हो जाए या सर्विस रेंडर नहीं हो जाए, प्रिंसिपल है अकाउंटिंग का। अब मंथ एंड पे क्या हुआ, अच्छा रिसीव कैश फ्रॉम कस्टमर प्रायर टू गिविंग सर्विसेज और डिलीवरिंग द प्रोडक्ट्स टू देम। अब इसी की देखो, इसी सेंटेंस जो पढ़ा मैंने, इसके पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी दो टाइप्स होगी डेफरेंस की,
या तो प्रीपेड एक्सपेंस होगा या अनअर्न्ड रेवेन्यू होगा। ठीक है, प्रीपेड एक्सपेंस इसको अनएक्सपायर्ड भी कह सकते हैं और अनअर्न्ड रेवेन्यू यानी कि लायबिलिटी रिकॉर्ड हुई है, अब इसमें से कुछ पोर्शन रेवेन्यू बन रहा है। ठीक है, प्रायर, क्योंकि ये डेफरल है ना, एडवांस में पैसा दे दिया या एडवांस में रिसीव कर लिया कस्टमर से, तो ये लायबिलिटी रिकॉर्ड हुई कैश डेबिट, और ये रिकॉर्ड कैसे हुआ होगा जनरलिटी में, सेकंड वाले में कैश डेबिट अनअर्न्ड रेवेन्यू क्रेडिट, और यहाँ पर रिकॉर्ड क्या होगा जब पेमेंट की होगी एडवांस में, जो प्रीपेड जैसे इंश्योरेंस है, प्रीपेड इंश्योरेंस डेबिट और कैश क्रेडिट, कैश जा रहा है तो कैश को क्रेडिट कर देंगे। ठीक, अब फर्स्ट को लेते हैं नंबर वन, इसका इसका इसकी एडजस्टिंग एंट्री कैसे पास होगी ये बताने का मकसद है फर्स्ट वाले की। ठीक है, एक दफा फिर समझाते प्रीपेड और प्रीपेड एक्सपेंस अनअर्न्ड। अच्छा देखिए, आपको बताया कि एडजस्टिंग एंट्री की दो टाइप्स है, डेफरेंस या अक्रूअल्स। पहले डेफरेंस पे फोकस करो, डेफरेंस प्री पेमेंट्स, या तो आपने एडवांस में कंपनी ने पे कर दिया एक्सपेंस, बट एक्सपेंस उसको कन्वर्ट होना है वो ट्रांजेक्शन को, बट एट द टाइम ऑफ पेमेंट इट इज नॉट एन एक्सपेंस, राइट। जैसे 1 दिसंबर को यू पेड रेंट, राइट, एंड दैट रेंट इज सपोज रिलेटिंग टू द मंथ ऑफ दिसंबर, एंड टुडे इज दिसंबर 1, यू कैन नॉट ट्रीट इट एक्सपेंस बिकॉज इट इज फॉर 30 डेज, और आज फर्स्ट डे, तो हम उसको 31 दिसंबर को उसको एक्सपेंस में, जब महीना क्लोज हो जाएगा कंप्लीट हो जाएगा, तो हमने यहाँ रिकॉर्ड किया कि देखो पेड कैश इन एडवांस प्रायर टू इस एक्सपेंस, राइट। तो हमने यहाँ रिकॉर्ड किया होगा प्रीपेड रेंट डेबिट और कैश क्रेडिट, ये पेमेंट के टाइम रिकॉर्ड हुआ, क्योंकि अभी ये एसेट है, एसेट कम हुआ कैश को क्रेडिट कर दिया, और प्रीपेड एक्सपेंस, प्रीपेड इंश्योरेंस, प्रीपेड रेंट डेबिट किया। ठीक है, क्योंकि अभी एक्सपेंस नहीं है, महीना तो गुजरे ही नहीं अभी। ठीक है, लेकिन जब महीना गुजर जाएगा, और सेकंड क्या है देखो, अनअर्न्ड रेवेन्यू, सेकंड केस में क्या है, कस्टमर ने आपको पैसा एडवांस में दे दिया, ठीक है, डेफरल का सेकंड केस, बट यू हैव नॉट येट डिलीवर द सर्विसेज, सपोज यू परचेज एयरलाइन टिकट, बेस्ट एग्जांपल है अनअर्न्ड रेवेन्यू, एयरलाइन टिकट फ्रॉम द PIA, है? आपने एडवांस में टिकट खरीदा और आपकी फ्लाइट है 1 महीने के बाद, तो आपके इस एक्सपेंस को, वो जो पेमेंट को PIA रिकॉर्ड करेगा कैश डेबिट अनअर्न्ड रेवेन्यू क्रेडिट अनलेस अंटिल यू फ्लाई, राइट, उस वक्त तक ये लायबिलिटी है, है? हो सकता है वो कैंसिलेशन हो जाए, ठीक है, उसको रेवेन्यू में नहीं कर, जब तक फ्लाई नहीं करोगे आप, राइट। तो ये एग्जाम्पल है अनअर्न्ड रेवेन्यू की, ठीक है, कि प्रायर टू द गिविंग सर्विसेज, राइट। तो ये देखिए फर्स्ट को हम अब डिस्कस कर रहे हैं, प्रीपेड एक्सपेंस नंबर वन। भाई क्लियर हुआ कुछ बात, क्लियर हुई मिस्टर? ठीक है, अब फर्स्ट वाले को फिर हम आगे आ रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। देखो प्रीपेड एक्सपेंस क्या, कैश पेड इन एडवांस है, जब तक ये नहीं समझोगे एडजस्टिंग इन यू कैन नॉट पास करेक्टली, राइट। दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स इन बेसिक अकाउंटिंग, यह हो या कुछ भी, कैश पेड इन एडवांस एंड रिकॉर्डेड एन एसेट, राइट। लॉजिक है ना, एसेट, क्योंकि एडवांस में पे कर रहे हो एक्सपेंस के लिए, और अभी वो टाइम पीरियड पास हुआ ही नहीं है, एंड बिफोर दे आर यूज कंज्यूम्ड इन जनरल एंट्री ड्यूरिंग द मंथ प्रायर टू एडजस्टमेंट एट पीरियड। देखो कैश पेड इन एडवांस एंड रिकॉर्डेड एन एसेट बिफोर दे आर used or consumed in journal entry during the month, ठीक है, journal entry में ये पास लिख दिया हमने, cash debit and sorry prepaid insurance debit, और जैसे insurance pay कर रहे हैं, cash credit prior to adjustment, month end pass हो गया, अब 31 दिसंबर आ गया,
थर्टीएथ नवंबर आ गया, 30th सितंबर आ गया, फर्स्ट को हमने पे किया था एसिड्स, अब एसिड्स अब ओवर स्टेट हो गए। आपने फर्ज करो इंश्योरेंस आपने पे किया 36,000 6 महीने का, म्यूट किया था 6 मंथ का, आपने जनवरी को पे किया अगले 6 महीने का, क्या मतलब जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून आपने रिकॉर्ड कर लिया कि भाई प्रीपेड इंश्योरेंस डेबिट और कैश क्रेडिट, लेकिन मंथ एंड में अब ओवर स्टेट है, मंथ एंड जब गुजर गया 6 महीने का अब एक्सपेंस हो गया, इसलिए हम एंट्री पास करेंगे क्या इंश्योरेंस एक्सपेंस डेबिट 6,000, क्योंकि 36 पे किया ना 6 महीने का डिवाइडेड बाई 6, तो 6 महीने का मतलब है कि 6 मंथ, 1 महीने का हुआ 6,000, 36 डिवाइड बाई 6 तो 1 महीने का हो गया, ठीक है। तो आपने रिकॉर्ड किया एक्सपेंस ऑफ प्रीपेड एक्सपेंस, ठीक है, प्रायर टू एडजस्टमेंट एट पीरियड एंड एट मंथ एंड एसिड्स आर ओवर स्टेटेड और एक्सपेंसिज आर अंडर स्टेटेड, बैलेंस शीट भी गलत हो गई और इनकम स्टेटमेंट भी गलत हो गई, एक्सपेंस आर ओवर स्टेट और एसिड्स आर ओवर स्टेट। एग्जाम्पल्स ऑफ प्रीपेड एक्सपेंस आर सप्लाइज, जैसे ऑफिस सप्लाइज होती है, प्रीपेड इंश्योरेंस, प्रीपेड रेंट, फिक्स एसिड्स, ये सब आप एग्जाम्पल है प्रीपेड, ठीक है। इंश्योरेंस एडवांस में पे किया प्रीपेड इंश्योरेंस, एडवांस में रेंट पे किया प्रीपेड इंश्योरेंस, ठीक है। सप्लाइज आपने खरीद ली, ठीक है, जैसे ऑफिस सप्लाइज, अब उसको एडजस्ट करना है ऑफिस सप्लाइज को, ठीक है, तो ये भी ओवर स्टेट हो रहा है, ठीक है। फिक्स एसिड्स जैसे प्लांट एंड मशीनरी, ये लॉन्ग टर्म एसिड्स, ये भी ओवर स्टेट है जब तक हम एंट्री पास नहीं करेंगे, क्योंकि एसिड्स जब एसिड्स का कुछ पोर्शन जब कंज्यूम हो जाता है तो वो डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करते हैं इसका, ठीक है। तो अब आप देखें दस एडजस्टिंग एंट्री इन केस ऑफ ए प्रीपेड एक्सपेंस विल बी डेबिट टू एक्सपेंस अकाउंट, ठीक है, जैसे प्रीपेड इंश्योरेंस था तो हम कहेंगे डेबिट टू इंश्योरेंस एक्सपेंस एंड क्रेडिट टू प्रीपेड एक्सपेंस। सिमिलरली एडजस्टिंग इन केस ऑफ फिक्स एसेट विल बी डेबिट टू डेप्रिसिएशन एक्सपेंस और क्रेडिट टू एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन, ठीक है। ये प्रीपेड एक्सपेंस की क्लियर हुई, जो प्रीपेड एक्सपेंस भाई बोलो। जी सर क्लियर है। नेक्स्ट वही डेफरल अभी चल रहे हैं, नेक्स्ट ये देखिए आपको सर, ये जो आपने डेफरल्स के बारे में पढ़ा है, जोर से बोलो जरा माइक सामने रख के। हेलो, हाँ जी सर, जो आपने डेफरल्स के बारे में पढ़ा है, इसका मतलब इन शॉर्ट ये हुआ वो ट्रांजैक्शन जो हम कैश के थ्रू कर रहे हैं, मतलब जो हमारे साथ कर रहे हैं या हम किसी के साथ कर रहे हैं, वो डेफरल्स कहलाई जाएंगी। जी जी, और वो आपने जो है वो ड्यूरिंग द मंथ हुआ है, यानी कि जर्नल एंट्री में ये इंसिडेंट हुआ, ठीक है, ये भी याद रखो। डेफरल में क्या ड्यूरिंग द मंथ जो है ना, जर्नल एंट्री में आपने या तो एडवांस में पे कर दिया या एडवांस में रिसीव कर लिया, अब मंथ एंड आ गया, ठीक है। तो मंथ एंड में आपने, फिर हमने आपको बताया कि ये मंथ एंड में आपने क्या करोगे, देखो ये प्रीपेड एक्सपेंस में अगर हमने एडवांस में पे किया हुआ है तो हमने इंश्योरेंस पे किया हुआ है, ठीक है, फर्ज करो एडवांस में, तो हम मंथ एंड में क्या एंट्री करेंगे, एडजस्टिंग एंट्री कि इंश्योरेंस एक्सपेंस डेबिट, जब एडजस्टिंग एंट्री हुई जर्नल एंट्री में पास किया होगा प्रीपेड इंश्योरेंस डेबिट, सपोज इंश्योरेंस पे कर रहे हैं एडवांस में 6 महीने का 36,000, प्रीपेड इंश्योरेंस डेबिट 36,000, कैश क्रेडिट ड्यूरिंग द मंथ कर दिया, मंथ एंड आ गया, ठीक है, और 6 महीने का था सपोज ये मेंशन होगा, इसका मतलब एक एक महीने का एक्सपेंस हो गया, तो आप मंथ एंड पे आप एडजस्टिंग एंट्री पास करोगे इंश्योरेंस एक्सपेंस डेबिट, अमाउंट कैसे आया 36 डिवाइड बाई 6, अगर 36 था तो 6,000, 6,000 से डेबिट किया इंश्योरेंस एक्सपेंस को और क्रेडिट कर दिया प्रीपेड इंश्योरेंस को, तो ये एसेट रिड्यूस हो गया और एक्सपेंस इंक्रीज हो गया, तो ये बिल्कुल करेक्ट किया काम मैंने, ठीक है, क्लियर। यस सर। अब देखो इसी का डेफरल में सेकंड केस आ गया,
अनअर्न्ड रेवेन्यू है, वहां पर रिकॉर्ड किया गया होगा या पैसा रिसीव किया होगा जर्नल एंट्री में, ठीक है, इसका भी एडजस्टमेंट अब करेंगे हम, इसीलिए तो नाम रखा हुआ ना एडजस्टमेंट, एडजस्टिंग एंट्री, मंथ एंड पे जब हम ड्यूरिंग द मंथ इसको फॉरन बैक बैक पे जाओ, उसके बैकग्राउंड पे पास्ट में यहाँ एंट्री हुई होगी, कैश डेबिट, कस्टमर से पैसा आ रहा है तो कैश ही डेबिट करोगे ना, और अनअर्न्ड रेवेन्यू क्रेडिट लाइबिलिटी है ये, अनअर्न्ड क्या है लाइबिलिटी, अनअर्न्ड, ठीक है, इसका फ्यूचर में ये होगी, इसका मतलब अब मंथ एंड क्लोज हो गया, पता लगा इसमें से हमने रिसीव किया था कस्टमर से 1 लाख रुपया, ठीक है, और वो 1 लाख रुपया था कि 2 महीने का, 2 महीने की सर्विस रेंडर करनी थी, तो अब मंथ एंड पे पता लगा 1 महीने की सर्विस हमने रेंडर कर दी, ठीक है, तो अब हमें 50,000 हुआ ना 1 महीने का, फिर अगर 2 महीने का था तो 50,000 से हम क्या करेंगे लाइबिलिटी को रिड्यूस करेंगे, अनअर्न्ड रेवेन्यू डेबिट और रेवेन्यू अर्न्ड क्रेडिट बाय 50,000 एंड 50,000, ये केस होगा इसके अंदर, देखो पढ़ो अब इसे, कैश रिसीव्ड इन एडवांस प्रायर टू डिलीवरिंग द सर्विसेज और डिलीवरिंग द प्रोडक्ट्स टू कस्टमर, या तो सर्विस रेंडर कर रहे होंगे जैसे कोई डॉक्टर की क्लिनिक है, ठीक है, कोई आपका क्या नाम है इंस्टीट्यूशन है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, ठीक है, कोई वर्कशॉप है, ठीक है, तो ये आपने सर्विस अभी दी नहीं है और आपने पैसा स्टूडेंट से पैसा ले लिया और आपने क्या नाम है सेमेस्टर स्टार्ट भी नहीं हुआ है, स्टूडेंट से पैसा ले लिया यूनिवर्सिटी ने, है बेस्ट एग्जांपल है आप लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, अभी क्लास स्टार्ट नहीं हुई है, यूनिवर्सिटी ने पैसा आपसे ले लिया, तो अब यूनिवर्सिटी ने तो अभी सर्विस तो रेंडर नहीं की है, अकाउंटेंट वहाँ रिकॉर्ड करेगा कैश डेबिट और अनअर्न ट्यूशन फीस क्रेडिट, ठीक है, कस्टमर यूनिवर्सिटी बच्चों से लिया पता लगा कितना पैसा आया 25 लाख रुपया आया, ठीक है, ये एंट्री पास कर दी, अब 1 महीना गुजरने के बाद पता लगा कि भाई सपोज 20 लाख रुपया आया, ठीक है, 1 लाख 1 महीना गुजरने के बाद यानी कि आपने 4 मंथ का सेमेस्टर था, 1 महीने की सर्विसेज टीचर्स ने रेंडर कर दी, ठीक है, अब 1 महीने का मतलब है 5 लाख रुपया, ठीक है, डिवाइड बाई 4, फॉरन एंट्री करेगा अकाउंटेंट एडजस्टिंग एंट्री के थ्रू कि भाई अनअर्न ट्यूशन फीस डेबिट और ट्यूशन फीस अर्न क्रेडिट 5 लाख 5 लाख रेवेन्यू में चला गया और लाइबिलिटी को कम कर दिया, ठीक है, ये एक एग्जाम्पल है आपको अनअर्न की, ठीक है, कैश तो कस्टमर एंड रिकॉर्डेड एज लायबिलिटी इन अ जनरल एंट्री, जनरल एंट्री रिकॉर्ड हो चुका है प्रायर टू एडजस्टमेंट एट पीरियड एंड मंथ एंड ईयर एंड, लायबिलिटीज आर ओवरस्टेटेड, रेवेन्यू 1 महीने का रेंडर कर दिया आउट ऑफ 4 तो लायबिलिटी ओवरस्टेट हो रही है, दैट इज रॉन्ग, और रेवेन्यूज आर अंडरस्टेटेड, इसका मतलब इनकम स्टेटमेंट भी गलत बन जाएगी और ऐसे और बैलेंस शीट भी आपकी गलत है, ठीक है, कोई ऑडिटर अप्रूव नहीं करेगा, ठीक है, एग्जाम्पल्स ऑफ अनअर्न्ड रेवेन्यू इंक्लूड रेंट रिसीव्ड इन एडवांस, कस्टमर डिपॉजिट फॉर फ्यूचर सर्विसेज, ट्यूशन फीस रिसीव प्रायर टू स्टार्टिंग ऑफ सेमेस्टर, सेल ऑफ एयरलाइन टिकट्स बिफोर द फ्लाइट सर्विसेज, देखो ये कितनी अच्छी अच्छी आपको प्यारी एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है, एग्जाम्पल्स ऑफ अनअर्न्ड रेवेन्यू इंक्लूड रेंट रिसीव्ड इन एडवांस, आपका घर है आपने रिसीव कर लिया एडवांस में कस्टमर से, ठीक है, आपके जो टेनेंट से, ठीक है, कस्टमर डिपॉजिट्स फॉर फ्यूचर सर्विस, ठीक है, फ्यूचर सर्विसेज, ट्यूशन फीस रिसीव प्रायर टू स्टार्टिंग सेमेस्टर, सेल ऑफ एयरलाइन टिकट्स बिफोर द फ्लाइट सर्विसेज, ठीक है, तो एडजस्टिंग इट इन केस ऑफ अनअर्न्ड रेवेन्यू विल बी क्या होगी, डेबिट टू लायबिलिटी अकाउंट, दैट इज अनअर्न्ड रेवेन्यू, ठीक है, ये एंट्री अनअर्न्ड की पास हो चुकी होगी जनरल एंट्री में, एंड क्रेडिट टू रेवेन्यू अकाउंट दैट इज रेवेन्यू अर्न्ड, ठीक है, तो ये डेफरल के दोनों केस मैंने आपको बता दिए, या तो प्रीपेड होगा या ये अनअर्न्ड होगा, क्लियर हुआ भाई स्टूडेंट्स, क्लियर टू ऑल, जी सर, ठीक है, और सब बोलो भाई, और यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, हो गया क्लियर, ठीक है, शाबाश, तो ये ईजा जहीर आपको क्लियर हुआ, रिप्लाई करें, क्लास में मौजूद है फातिमा,
Yes, sir. ओके बहुत अटेंटिव रहना है आप लोग ने, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं। अब हमारा है नेक्स्ट कम टू द, ठीक है, डेफरल हो गया, अब अक्रूवल्स की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। अक्रूवल देखिए, अक्रूवल्स देखो, अक्रूवल्स की अगर आप मीनिंग पे जाओ ना, ये देखो मैं अभी आपको उस पे ले जा रहा हूँ, इसके डिक्शनरी के ऊपर, ठीक है। देखिए अक्रूवल के मीनिंग क्या है, ठीक है, देखिए देखिए, इंक्रीज, एडिशन, ग्रोथ, ठीक है, ये सब चीजें, एक्यूमुलेशन हो गया, ठीक है, ये सब चीजें देखो इनकर हो गई आपकी अक्रूवल्स के अंदर, ठीक है, ये मतलब है इसका, और आपने अभी रिकॉर्ड नहीं किया, ठीक है। तो देखिए अब आ जाओ, अक्रूवल, देखिए अक्रूवल पढ़ते हैं, रेवेन्यूज अर्न और एक्सपेंसेस इनकर्ड। देखो यहां पर यूं समझ लो कि आपकी आप पास्ट में जर्नल एंट्री में भी कोई रिकॉर्डिंग नहीं हुई होगी इसमें अक्रूवल्स के अंदर, ठीक है। रेवेन्यूज अर्न और एक्सपेंसेस इनकर्ड बट नॉट रिकॉर्डेड, जब रेवेन्यू अर्न होता है तो उसको अर्न कहते हैं, और एक्सपेंसिस हो जाएगा तो उसको कहेंगे इनकर्ड, बट नॉट रिकॉर्डेड। रिमेंबर इन अक्रूवल्स नो कैश इज रिसीव्ड और पेड इन पास्ट येट थ्रू जर्नल एंट्रीज, ये भी याद रखो, देखो ये आपको रिमाइंड करा है। रिमेंबर इन अक्रूवल्स नो कैश इज रिसीव्ड और पेड इन पास्ट येट थ्रू जर्नल एंट्रीज, इट इज फर्दर डिवाइडेड, अब अक्रूवल्स डिवाइड होगा अक्रूड रेवेन्यू, या तो अक्रू हो गया होगा रेवेन्यू, या फिर अक्रू हो गया होगा एक्सपेंस, ठीक है, अक्यूमुलेट हो गया है, इंक्रीज हो गया, दो चीजें है, जैसे वहां था प्री डेफरल में कि प्रीपेड या अनर्न, ठीक है, यहाँ पर ये या तो अक्रूड हो गया, मंथ एंड पे देखेंगे है किस तरीके से, देखो हमें पता लगेगा कि देखिए अक्रूड रेवेन्यू पहले डिस्कस करो, देखिए रेवेन्यूज अर्न बट नॉट येट रिकॉर्डेड और रिसीव, कैसे पता लगेगा, प्रायर टू एडजस्टमेंट बोथ एसिड्स एंड रेवेन्यूज आर अंडर स्टेट, एसिड्स भी अंडर स्टेट है क्योंकि एसिड जब रिकॉर्ड होगा ये तो अकाउंट, ये रिसीवेबल रिकॉर्ड होगा ना, इंटरेस्ट रिसीवेबल, जैसे बैंक में पैसा जमा कराया था, एसिड्स आर भी अंडर स्टेट है, रेवेन्यू भी अंडर स्टेट है, ठीक है। एग्जाम्पल्स ऑफ अक्रूड रेवेन्यू देखो, बेस्ट एग्जाम्पल है इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट, डॉक्टर्स रेंडर द सर्विस बट नॉट येट बिल्ड और नॉट रिसीव कैश, कंपनी रेंडर्ड द सर्विसेज और डिलीवर्ड द गुड्स टू द कस्टमर बट नॉट बिल्ड येट। डॉक्टर्स ने देखा यार ये मैंने, हमने सर्विस तो रेंडर कर दी, अभी बिल ही नहीं किया, ना कैश रिसीव किया ना बिल किया, अब उसने मंथ एंड हो रहा है चूंकि, अब लाजमी रिकॉर्ड करना, ठीक है, बैंक में पैसा जमा कराया हुआ है, अब एक महीने का इंटरेस्ट ड्यू हो गया, पेमेंट तो बैंक नहीं करेगा 31 तारीख को, आपने रिकॉर्ड करना है इंटरेस्ट रिसीवेबल डेबिट इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट, ठीक है। तो कंपनी रेंडर्ड द सर्विसेज और डिलीवर द गुड्स टू द कस्टमर बट नॉट पेड, एडजस्टिंग इन केस ऑफ अक्रूड रेवेन्यू क्या होगी, डेबिट टू एसेट अकाउंट, यानी कि अकाउंट्स रिसीवेबल, एक एग्जांपल दी आपको, डेबिट टू अकाउंट रिसीवेबल, इंटरेस्ट रिसीवेबल, ठीक है, ऐसी चीजें होंगी, ठीक है, ये एक एग्जांपल है आपको समझो, ये अकाउंट रिसीवेबल का मतलब क्या आप समझो, एक एग्जांपल दे रहे हैं आपको, इसमें अकाउंट रिसीवेबल भी हो सकता है, इंटरेस्ट रिसीवेबल भी हो सकता है, ठीक, तो देखिए डेबिट टू एसेट अकाउंट एंड क्रेडिट टू रेवेन्यू अकाउंट, ठीक है, यानी कि ये जब हम बैंक का पैसा, बैंक में जो पैसा जमा कराया है तो उसमें रिकॉर्ड क्या करेंगे मंथ एंड पे, इंटरेस्ट रिसीवेबल डेबिट, जितना भी इंटरेस्ट बन रहा होगा, इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट, ये एंट्री हो जाएगी, राइट। डॉक्टर क्या रिकॉर्ड करेगा, अगर उसने सर्विस दे दी है और रिकॉर्ड नहीं किया था, अपना पैसा मिल, पैसा नहीं मिला तभी तो वो रिकॉर्ड होगा ना, अकाउंट्स
है रिसीवेबल डेबिट और आपका रेवेन्यू अर्न डॉक्टर्स फीस अर्न क्रेडिट, ये एक अप्रोप्रिएट क्रेडिट कर देंगे अकाउंट को, ठीक है, ये एंट्री होगी आपके पास इस केस में, रेवेन्यू के केस में, ठीक है, क्लियर हुई बात, अक्रूड रेवेन्यू, रेवेन्यू अर्न बट नॉट येट रिकॉर्डेड रिसीव प्रायर टू एडजस्टमेंट एसेट्स इज रेवेन्यू आर बोथ अंडर स्टेटेड. Examples of accrued revenues include interest on bank deposits, doctors rendered the services but not billed or not received cash. The company rendered the services or delivered the goods to the customer but not billed. During the month, you can record it. A month end, you have to record it. The adjusted in case of accrued revenue, what will happen? Debit to asset account, that is account receivable, interest receivable, okay? Credit to revenue account. Okay? Ab, accrued expense, mein aa jao. Accrued expense, expenses incurred but not paid are recorded prior to adjustment. Liabilities or expense are understated. You have a liability be understated or expense be understated. Examples of accrued expense include interest expense, rent expense, income tax expense, salaries expense. You go salaries ko hamesha yaad rakho, salary hamesha adjusting entry ke through record hoti hai month end pe. Day to day to salary कंपनी एम्प्लाइज को तो पे नहीं कर रही होती है ना, और जब 31 को रिकॉर्ड करती है तब भी पे नहीं करती, एक महीने 15 दिन बाद 10 दिन बाद एक हफ्ते बाद पे करेगी फॉलोइंग मंथ पे, लेकिन रिकॉर्ड हो जाएगा 31 दिसंबर में कि सैलरीज एक्सपेंस डेबिट और सैलरीज पेएबल क्रेडिट रिकॉर्ड, इनकम टैक्स एक्सपेंस डेबिट इनकम टैक्स पेएबल क्रेडिट ये सब रिकॉर्ड हो रही होंगी अक्रूड एक्सपेंस में, ठीक है. द एडजस्टमेंट फॉर अक्रूड एक्सपेंस विल बी डेबिट टू रिस्पेक्टिव एक्सपेंस अकाउंट एंड क्रेडिट टू लायबिलिटी अकाउंट, जैसे एग्जांपल दिया इंटरेस्ट पेएबल, रेंट पेएबल, टैक्सेस पेएबल, सो ऑन एज द केस में भी. क्लियर हुई बात, अक्रूड अक्रूअल क्लियर हो गया. सर जी सर क्लियर. हाँ भाई क्लियर हो गया ना. सर एक बार रिपीट कर दें इसको. अच्छा मैं रिपीट कर देता हूँ तुम्हें, यू मस्ट बी अटेंटिव. देखिए अक्रूड एक्सपेंस, एक्सपेंसेस इनकर्ड बट नॉट पेड है, ये कब देख रहे होंगे मंथ एंड पे है, मंथ एंड पे हमने देखा एक्सपेंस तो इनकर हो गया, क्यों हो गया भाई, हमने बैंक से पैसा लिया हुआ है, ठीक है, आप 10% इनकम वो इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है, तो इसका मतलब हुआ कि हमने पैसा कितना लिया हुआ है बैंक से, 5 लाख रुपए है, बैंक का जो रेट है वो है सपोज 10%, ठीक है, एक महीने का हमें इंटरेस्ट चार्ज करना था, हम क्या करेंगे 5 लाख का 10% लिया और डिवाइडेड कर दिया 12 से, तो कितना इंटरेस्ट बन गया तकरीबन 4166, ठीक है, ये हमने रिकॉर्ड करना है क्योंकि एक्सपेंस इनकर हो गया, पे अभी तो कर नहीं रहे, तो हम रिकॉर्ड करेंगे इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट और इंटरेस्ट पेएबल क्रेडिट, ये बैंक को पे करना है, ठीक है, अपनी बुक्स को तो हम अपनी सही कर लें, लायबिलिटी भी रिकॉर्ड कर ली ताकि और एक्सपेंस भी रिकॉर्ड कर लिए ताकि हमारा इनकम स्टेटमेंट भी सही बने और हमारी बैलेंस शीट भी बने, ठीक है, इनकम टैक्स ड्यू हो गया हमने रिकॉर्ड करना है, पे नहीं कर रहे अभी, सैलरी एम्प्लाइज की ड्यू हो गई अभी रिकॉर्ड ही नहीं की है क्योंकि पे नहीं की, लास्ट डे को हमने रिकॉर्ड करनी है कि सैलरीज एक्सपेंस डेबिट है, सारे एम्प्लॉयज की हमने सैलरी रिकॉर्ड की 31 को, फिर एंट्री पास कर दी कि सैलरीज एक्सपेंस डेबिट है और सैलरीज पेएबल क्रेडिट, अब जब पे करेंगे सैलरी है ये एंट्री कर दी हमने 31 को लास्ट डे ऑफ द मंथ कि सैलरीज एक्सपेंस डेबिट, सपोज कंपनी की पूरी सैलरी बन रही है 5 लाख रुपए, तो हमने एंट्री पास कर दी ताकि हमारी इनकम हमारी सब सही चीज बने, सैलरीज एक्सपेंस डेबिट और सैलरीज पेएबल क्रेडिट, ये कब रिकॉर्ड किया 31 दिसंबर 2020 को, अब कंपनी एक हफ्ते बाद पेमेंट कर रही है 7 जनवरी को पेमेंट कर रही है, तब हम रिकॉर्ड करेंगे सैलरीज पेएबल डेबिट और कैश क्रेडिट, 7 जनवरी को जब पेमेंट करेंगे तो क्या एंट्री कर देंगे, एक्सपेंस तो हमने रिकॉर्ड कर दिया था, लाइबिलिटी भी, अब लाइबिलिटी कम करेंगे सैलरीज पेबल डेबिट 5 लाख रुपए और कैश क्रेडिट 5 लाख रुपए,
कब रिकॉर्ड की, जब पेमेंट की, सपोज पेमेंट कर रहे हैं फॉलोइंग मंथ की 7th को, तो ये रिकॉर्ड एंट्री पास कर दी। ठीक है, हमने तो अभी को फोकस करना है जब रिकॉर्ड कर रहे हैं 31st को, ठीक है, उसका इंपैक्ट कैसे आएगा फ्यूचर में आएगा। ठीक है, एडजस्टिंग एंट्री फॉर अक्रूड एक्सपेंस विल बी डेबिट टू रिस्पेक्टिव एक्सपेंस अकाउंट एंड क्रेडिट टू लायबिलिटी अकाउंट, दैट इज इंटरेस्ट पेएबल, रेंट पेएबल, टैक्सेस पेएबल, सैलरीज पेएबल एंड सो ऑन। ठीक है, अब क्लियर हो गई अक्रूड एक्सपेंसेस। ठीक है, और बोलो सारे स्टूडेंट भाई। जी सर, क्लियर हो गया सर? यस सर, क्लियर है सर। जी सर, क्लियर। सर एक क्वेश्चन है, बोलिए। अगर सर एडवांस में पेमेंट्स पे हो जाती है, कोई भी ऑफिस रेंट है, तो उसको डेबिट साइड पे रखेंगे या क्रेडिट साइड? क्या एडवांस में? एडवांस में आप ऑफिस पे की रेंट पे करते हो, बिल्डिंग्स के रेंट पे कर देते हो, तो उसकी जो अमाउंट होगी वो क्रेडिट साइड पे आएगी या डेबिट साइड पे? एडवांस में, मैं रिपीट करूं, एडवांस में आपने पैसा रिसीव किया? हमने एडवांस में पेमेंट कर दिया। अगर आपने किसी शॉप की पेमेंट कर दी है, एडवांस में पेमेंट कर दी, तो फिर एडवांस में पेमेंट आपने की किस चीज के लिए पेमेंट की? आप सर बिल्डिंग का रेंट पे कर दिया, अगर आपने ऑफिस इक्विपमेंट्स की बाकी की पेमेंट पे कर दिया, अगर आपने, तो उसको आप एडवांस में आपने पेमेंट की, उसको आप मतलब ये कॉन्सेप्ट क्लियर रखो कि आपने एडवांस में पेमेंट उस चीज की कर रही हो कि जो आप फ्यूचर में वो एक्सपेंस हो जाएगा। क्या क्या हो सकता है कि आपने एडवांस में रेंट पे कर दिया, आपने एडवांस में इंश्योरेंस पे कर दिया, ठीक है, राइट। तो अब आप रिकॉर्ड करेंगे एडवांस में, जैसे इंश्योरेंस पे किया कंपनी ने, ठीक है, फर्ज करो कितना पे किया, 12,000 रुपए, ठीक है, एडवांस में। और वो ये भी क्लियर होगा कि ये जो रेंट इंश्योरेंस पे कर रहे हैं, ये आप 2 महीने का कर रहे हैं सपोज, ठीक है, तो आपने रिकॉर्ड कर दिया इंश्योरेंस एक्सपेंस डेबिट, क्योंकि ये एसेट है, प्रीपेड इंश्योरेंस, सॉरी प्रीपेड इंश्योरेंस डेबिट, प्रीपेड डेबिट और कैश क्रेडिट, क्योंकि पे कर रहे हो, कैश क्रेडिट हो गया। और 12,000 12,000, अब मंथ एंड जब गुजरा ना, आपने देखा आप तो 6 महीने तो एक्सपेंस हो गया, 2 महीने का था ना, 1 महीना गुजर गया, तो आपने फौरन अब एक्सपेंस में कन्वर्ट किया, लेकिन कितने को? 6,000 को, कि इंश्योरेंस एक्सपेंस डेबिट 6,000, क्योंकि वो 2 महीने का था अज्यूम किया, और इंश्योरेंस जो आपने ट्रायल बैलेंस बनाया था सर, जो आपने ट्रायल बैलेंस बनाया था, उसमें आपने डेबिट एंड क्रेडिट को सेपरेटली कैटेगराइज किया, डेबिट साइड पे आएगा ना, प्रीपेड इंश्योरेंस एसेट अकाउंट है, तो डेबिट साइड पे आपने सिर्फ ऑफिस के एक्सपेंसेस पे डेबिट जो है वो 12,000 का था, वो 6,000 बन जाएगा, फिर डेबिट पे ही रहेगा, 6,000 हो जाएगा। तो जो सर जो कंसल्टिंग सर्विसेज अनअर्नड और अर्नड कंसल्टिंग सर्विसेज हमने प्रोवाइड की है सर, आपने उसको क्रेडिट साइड पे क्यों ऐड किया था सर? वो सर्विसेज तो हमने प्रोवाइड की और उसकी अमाउंट ऑफ मनी तो आपने खुद अगर वो तो आपने पे कैश की पेमेंट कर रहे हैं, तो क्रेडिट करेंगे ना, एंट्री क्या की होगी, प्रीपेड इंश्योरेंस डेबिट और कैश क्रेडिट, क्योंकि कैश एसेट रिड्यूस हो रहा है, तो कैश क्रेडिट कर दिया, और एसेट दूसरा एसेट इंक्रीज हो रहा है, प्रीपेड इंश्योरेंस वो डेबिट कर दिया, जब एसेट इंक्रीज होता है तो डेबिट करते हैं, डिक्रीज होता है क्रेडिट, ये एंट्री पास कर दिया आपने जनरल एंट्री में। अब मंथ एंड पे, मंथ एंड में आपका कैश कम हो रहा है एक एसेट, और दूसरा एसेट जो है वो प्रीपेड है, प्रीपेड इंश्योरेंस जो है वो आपका जो है वो प्रीपेड इंश्योरेंस जो है वो रिड्यूस हो रहा है और एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है, तो हमने कहा कि एक्सपेंस इंक्रीज होता है तो डेबिट करते हैं, तो इंश्योरेंस एक्सपेंस डेबिट 6,000 से, और प्रीपेड इंश्योरेंस ये एसेट कम हो रहा है, क्रेडिट बाय 6,000 रुपए। इस तरह क्लियर हुई? चले ठीक है, तो ये हमने अक्रूअल्स आपको समझा दिया, ठीक है, और इस एंट्री के बाद याद रखो कि आपको अब एडजस्टमेंट क्लियर हो जाना चाहिए बिल्कुल, ठीक है, और ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, एडजस्टमेंट अगर नहीं क्लियर होगा तो आप आगे क्वेश्चन नहीं कर सकते, ठीक है, और आपको फिर ये मैंने बता दिया, देखो ये फिर मैं इसे एक तरह से रिपीट तो नहीं कर रहा पूरा, लेकिन आपने ये देखना है कि इसकी 2 टाइप्स हैं, डेफरेंस और अक्रूअल्स, ठीक है, डेफरेंस या अक्रूअल्स, ठीक है, मैं फास्ट इतना नहीं जा रहा हूँ ताकि मैं मकसद है कि आप समझ जाओ, वरना आगे जल्दी जल्दी पढ़ाने का कोई फायदा नहीं है।
डेफरल्स एंड अक्रूअल्स, ठीक है, पेड इन एडवांस या रिसीव इन एडवांस डेफरल्स है, और अक्रूअल्स है कि भाई एक्सपेंसेस इनकर्ड नॉट रिकॉर्डेड, रेवेन्यू अर्न बट नॉट रिकॉर्डेड, वो अक्रूअल है, ठीक है। तो डेफरल में दो किस्में, प्रीपेड एक्सपेंस या अनअर्न रेवेन्यू, ठीक है। प्रीपेड एक्सपेंस पेड इन एडवांस, पेड इन एडवांस दैट विल बी कन्वर्टेड इन टू एक्सपेंस, पेड इन एडवांस, ठीक है, एक्सपेंसिस पेड इन एडवांस, ये है प्रीपेड। और अनअर्न रेवेन्यू क्या है, कैश रिसीव्ड इन एडवांस फ्रॉम द कस्टमर, यानी कि ये पैसा जो है रेवेन्यू फ्यूचर में रेवेन्यू हो जाएगा, रेवेन्यू रिसीव्ड इन एडवांस तो अनअर्न रिकॉर्ड किया, ठीक है, अभी प्रायर टू गिविंग द सर्विसेज या डिलीवरिंग द गुड्स। और सेकेंड केस था प्रीपेड में अक्रूअल्स में कि भाई अक्रूड रेवेन्यू या अक्रूड एक्सपेंस, रेवेन्यू अर्न बट नॉट रिकॉर्डेड, एक्सपेंसिस इनकर्ड बट नॉट रिकॉर्डेड, तो ये अक्रूड एक्सपेंस या रेवेन्यू, इनकी एग्जाम्पल के साथ आपको समझा दिया मैंने, ठीक है। अब जब एडजस्टिंग एंट्री आपने पास कर दी, ठीक है, सक्सेसफुली, अब क्या करोगे, अब नाउ यू विल प्रिपेयर द एन एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस, ताकि आप इनकम स्टेटमेंट वगैरह बना सको, ठीक है। यू विल प्रिपेयर द, सर कह रहे हो, सर थोड़ा ब्रेक ले सकते 5 मिनट का नमाज के लिए। अच्छा चलो फिर, आप इतना ऐसी बात करते हो तो कोई टाल नहीं सकता आपकी बात को, ठीक है, अल्लाह की चीज पहले, ठीक है। तो फिर ये कि टाइम को आप लोग फॉलो करोगे, ठीक है, किस टाइम आ जाओगे, क्या टाइम है अभी सर, 56 हो रहे हैं, 56, ठीक है, 4 कितना है, 4:56, तो आप 8 मिनट का ब्रेक कर रहे हैं, ठीक है, 5 ओके सर, 04 सही है, ओके भाई 8 मिनट का ब्रेक है, ओके सर, ठीक है, जल्दी से अपना इज ए स्मॉल रिकॉर्डिंग स्टूडियो एट लंदन यूके एंड एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस डेटेड 31st December 2020 follows. Bear in mind, देखो ये चीजें आपको एक्स्ट्रा चीज बता रहे हैं, बियर इन माइंड दैट एडजस्टिंग, ये महीना है 12वां महीना, ठीक है, बियर इन माइंड दैट एडजस्टिंग एंट्रीज ऑलरेडी हैव बीन मेड फॉर द फर्स्ट 12 मंथ्स ऑफ 2020, ठीक है, 11 महीने की पास रिकॉर्ड हो चुकी है, बट नॉट फॉर December 31st, ठीक है, दिसंबर की एंट्री नहीं हुई है, तो ये हम याद रखो, ठीक है। तो ये ट्रायल बैलेंस आपको प्रोवाइड होगी जब आपको, अगर एडजस्टिंग एंट्री पास होगी तो ट्रायल बैलेंस, अगर एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस आपसे बनवानी होगी तो ये ट्रायल बैलेंस अनएडजस्टेड विल बी प्रोवाइडेड यू, ठीक है। अगर रिक्वायरमेंट सिर्फ एडजस्टिंग एंट्री तक नहीं है बल्कि एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस भी मांगी आपसे, इनकम स्टेटमेंट भी मांगी, तो आपको फिर अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस विल बी प्रोवाइडेड टू यू। लेकिन अगर सिर्फ एडजस्टिंग एंट्री मांगी होती तो फिर ट्रायल बैलेंस देना जरूरी नहीं है, अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस याद रखो। तो देखिए ये ट्रायल बैलेंस गिवन है जॉनसन एंड जॉनसन है, ये डॉलर्स में फिगर है सब, के देखो कैश अकाउंट रिसीवेबल आपको बताया था कि कई दफा बता चुका हूँ कि जब भी आप ट्रायल बैलेंस होगी वो एसेट्स फर्स्ट, बैलेंस शीट आइटम्स विल बी प्रोवाइडेड फर्स्ट देन इनकम स्टेटमेंट आइटम, ठीक है, इसी तरह देखो बनी हुई है, अगर इस तरह नहीं बनाते हो तो फिर वो रॉन्ग होगा, ठीक है। देखिए कैश अकाउंट रिसीवर स्टूडियो सरप्राइज अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस का मतलब ही होता है कि प्रीपेड इंश्योरेंस, प्रीपेड स्टूडियो रेंट है, रिकॉर्डिंग इक्विपमेंट है, ये फिक्स एसेट्स है, फिर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, इसका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो चार्ज करते हैं तो क्रेडिट एक्यूमुलेटेड को करते हैं, इसलिए ये कॉन्ट्रा अकाउंट होगा, क्रेडिट बैलेंस होगा, नोट्स पेबल, इंटरेस्ट पेबल, इनकम टैक्स पेबल, अनअर्न स्टूडियो रेवेन्यू, फिर कैपिटल स्टॉक, फिर रिटेल अर्निंग्स, ठीक है, स्टूडियो, अब ये देखो आपका शुरू हो गया इनकम स्टेटमेंट से रिलेटेड, स्टूडियो रेवेन्यू अर्न, सैलरीज एक्सपेंस, सप्लाईज एक्सपेंस, इंश्योरेंस एक्सपेंस, डेपिसिशन एक्सपेंस, रेंट, स्टूडियो रेंट एक्सपेंस, इंटरेस्ट एक्सपेंस, यूटिलिटीज एक्सपेंस, इनकम टैक्स। अब देखिए, अब एंट्री पे आइए, फर्स्ट एंट्री देखें, देखिए
रिकॉर्ड शो नंबर वन एंड अब ये एडिशनल डेटा मतलब ये समझो एडजस्टिंग एंट्री से रिलेटेड है ठीक है देखिए रिकॉर्ड शो दैट 4,400 इन स्टूडियो रेवेन्यू अर्न बट हैड नॉट बीन बिल्ड और रिकॉर्डेड ऑन दिसंबर 31st क्या कह रहा है रिकॉर्ड शो दैट 4,400 इन स्टूडियो रेवेन्यू अर्न बट हैड नॉट बीन बिल्ड और रिकॉर्डेड बताओ ये अक्रूअल है या डेफरल है बताओ जल्दी अक्रूअल होगा अक्रूअल होगा अक्रूअल है देखो ये अक्रूअल है ठीक है बिल्कुल सही है देखो रिकॉर्ड शो दैट 4,400 इन स्टूडियो रेवेन्यू अर्न बट नॉट बीन बिल्ड और रिकॉर्डेड ये अक्रूअल है और ये अक्रूड रेवेन्यू है ठीक है ये अभी रिकॉर्ड नहीं हुआ तो क्या एंट्री होगी इसकी भाई मिस्टर सलमान हैदर आप बताइए क्या एंट्री होगी इसकी सुन रहे हैं आवाज मेरी मिस्टर सलमान आप क्लास में मौजूद नहीं क्या अच्छा मोहम्मद उस्मान आप बताइए आपके व्हाट्सएप तो बहुत आते हैं मोहम्मद उस्मान क्या एंट्री होगी इसकी नौफिल सीआर आप बताइए फर्स्ट वाले की एंट्री क्या करेंगे भाई रेवेन्यू अर्न हो गया रिकॉर्ड नहीं किया क्रेडिट कर देंगे क्या एंट्री होगी सर कैश डेबिट होगा तो कैश कहां से आ जाएगा नहीं अच्छा इन्होंने अर्न किया है अकाउंट्स रिसीवेबल डेबिट एडजस्टिंग एंट्री पे कैश तो आएगा नहीं और यहां देखो इस सेंटेंस से जाहिर हो रहा है कि कैश मिल रहा है आपको ये देखो सेंटेंस क्लियर कर रहा है बिल्कुल केजी वन का बच्चा बता देगा रिकॉर्ड शो दैट 4,400 स्टूडियो रेवेन्यू अर्न बट नॉट येट बिल्ड रिकॉर्डेड पैसा तो नहीं आया ना लेकिन रेवेन्यू अर्न हो गया अक्रूड रेवेन्यू है तो हम लिखेंगे क्या अकाउंट्स रिसीवेबल कैश की बजाय अकाउंट रिसीवेबल डेबिट बाय 4,400 और क्रेडिट किसको करेंगे स्टूडियो रेवेन्यू अर्न हाँ ये देखो इसका रेवेन्यू अब देखो कि क्या खुला हुआ किस नाम से ट्रायल बैलेंस में वो लिखोगे ना देखो स्टूडियो रेवेन्यू अर्न इसको क्रेडिट करोगे ना स्टूडियो देखो यहाँ सामने नजर आ रहा है आपको स्टूडियो रेवेन्यू अर्न ये अकाउंट है तो क्रेडिट हुआ देखो डेबिट क्या किया अकाउंट्स रिसीवेबल डेबिट बाय 4,400 और स्टूडियो रेवेन्यू अर्न क्रेडिट 4,400 ठीक है 4,400 तो ये एंट्री पास हो गई एसेट को रिकॉर्ड कर लिया क्योंकि ये रेवेन्यू हो गया था और रेवेन्यू को क्रेडिट कर दिया ठीक है तो ये व्हाट्सएप पे सामने रखो मैं इसके सोल्यूशन पे जा रहा हूँ देखिए ये देखिए ठीक है देखिए फाइल शेयर कर रहा हूं मैं फाइल शेयर हो रही है यस सर यस सर देखिए जॉनसन एंड जॉनसन एंटरप्राइजेज जनरल ठीक है डॉक्यूमेंट वही होगा एज ऑन देखो ये भी एक पर्टिकुलर डेट को हो रहा या कॉलम की जरूरत नहीं डेट का जनरल एडजस्टिंग एंट्री में अब फर्स्ट एंट्री मैंने आपको बताई ठीक है क्या एंट्री है फर्स्ट अभी बताया आपको फिर बोलो अकाउंट रिसीवेबल डेबिट स्टूडियो अर्न रेवेन्यू क्रेडिट क्या अमाउंट है 4,400 ये देखिए अकाउंट रिसीवेबल डेबिट और स्टूडियो रेवेन्यू अर्न क्रेडिट स्टूडियो अर्न क्रेडिट और यह एंट्री आपने पास कर ली ठीक है
ये हो गया सबको, रिसीवेबल्स डेबिट क्यों हो रहे हैं? यस सर, देखो अकाउंट रिसीवेबल डेबिट और स्टूडियो रेवेन्यू अर्न क्रेडिट, ठीक है, और ये नरेशन भी दे दिया तो रिकॉर्ड स्टूडियो रेवेन्यू अर्न और December 31st। अब सेकंड पे आओ, रिसीवेबल्स डेबिट क्यों हो रहे हैं? रिसीवेबल्स डेबिट क्यों हो रहे हैं? क्या कह रहे हो? रिसीवेबल्स डेबिट क्यों हो रहे हैं? क्या डेबिट नहीं हो रहा? रिसीवेबल्स डेबिट क्यों हो रहे हैं? क्योंकि रेवेन्यू अर्न हो गया, जब आप रेवेन्यू को, जब रेवेन्यू अर्न हो जाए और पैसा नहीं आया तो फिर हम अकाउंट रिसीवेबल को डेबिट करते हैं ना। देखो ये प्रिंसिपल आपको कितनी दफा बताया है कि रेवेन्यू अर्न हो गया और अभी पैसा नहीं मिलेगा अभी आपको आज की तारीख में, तो आप क्या रिकॉर्ड करोगे डबल एंट्री पे? अकाउंट रिसीवेबल ऑलवेज डेबिट और रेवेन्यू अर्न, स्टूडियो रेवेन्यू अर्न के नाम से अकाउंट है, स्टूडियो रेवेन्यू अर्न, ठीक है। अगर पैसा आ रहा होता तो इसकी जगह हम कैश डेबिट करते, ठीक है। एसेट इंक्रीज हो रहा है, अकाउंट रिसीवेबल, ठीक है, इसलिए इसको डेबिट किया। अच्छा सेकंड एंट्री है, देखो स्टूडियो सप्लाईज ऑन हैंड, स्टूडियो सप्लाईज ऑन हैंड, देखिए स्टूडियो सप्लाईज ऑन हैंड कितनी है? 6900। ये कैसे पता लगेगा? है इसने बता दिया स्टूडियो सप्लाईज ऑन हैंड 6900। अब हमने यहां से पता करना है कि ये सप्लाईज एक्सपेंस कितनी हो गई, कैसे पता करेंगे? बोलो सप्लाईज के केस को समझो। देखो जो सप्लाईज होती है ना, जैसे ऑफिस सप्लाईज हो या स्टेशनरी हो या स्टूडियो सप्लाईज हो, ये स्मॉल आइटम्स होते हैं। याद देखो और से सुनो, सप्लाईज का मतलब होता है कि स्मॉल आइटम्स हैं, जैसे स्क्रू बोर्ड, स्टेशनरी, कॉपी, पेंसिल, रबर, ठीक है, ये डे टू डे यूज हो रही है, डे टू डे, राइट। एंट्री नहीं पास करते हम इसकी, क्योंकि ये रोजाना आने पैसे की एंट्री नहीं की जाती, ठीक है। लेकिन जब परचेज करेंगे तो हम डेबिट कर देंगे स्टूडियो सप्लाईज में या स्टेशनरी में या ऑफिस सप्लाईज में, जो अकाउंट खुला हुआ। मंथ एंड पे हम सप्लाईज के केस में क्या करते हैं, काउंट करते हैं सप्लाईज को, कि अब हमारे पास फिजिकली कितनी है, उसको वैल्यू में फिर कन्वर्ट कर देते हैं। कैसे? जैसे हमने गिना पेंसिल हमारे पास 20 है, उस पेंसिल का रेट हमारे पास मौजूद है, रबर गिना 10 है, उसका रेट मौजूद है, उसको मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। इसी तरह कोई बोर्ड, नट, ऐसी चीजें, उनको गिन गिन के रेट से मल्टीप्लाई करके हमने सब निकाल लिया। तो सब निकालने के बाद हमें पता लगा कि कह रहा है स्टूडियो सप्लाईज ऑन हैंड 6900, इसका मतलब ये। और अब फॉरन ट्रायल बैलेंस की तरफ जाओगे, ट्रायल बैलेंस में कितना अमाउंट दे रहा, तो देखा स्टूडियो सप्लाईज के ट्रायल बैलेंस में दे रहा है 7600 और ये है 6900, तो बाकी कहाँ गया? बाकी कंज्यूम हो गया, फॉरन डिफरेंस दिया दोनों का, कितना डिफरेंस है 6000 7000। ट्रायल बैलेंस में फिगर ज्यादा होगी, 7900 में से, सॉरी 7600 में से ये माइनस किया हमने कि अब हमारे पास 6900 बचा, कितना बचा 700 बचा ना, 700 कंज्यूम हो गया, समझ गए? ये कंजम्पशन की एंट्री पास की और फौरन हमने एंट्री क्या पास करेंगे, अब क्या एंट्री पास होगी, सप्लाईज एक्सपेंस डेबिट, ठीक है। ये देखिए, ये देखिए, क्योंकि सप्लाईज वहां पर स्टूडियो सप्लाईज के नाम से नहीं एक्सपेंस अकाउंट है, देखो वहां पर अकाउंट है सप्लाईज एक्सपेंस के अकाउंट, इसलिए सप्लाईज एक्सपेंस लिखा, डेबिट 700 रुपए और स्टूडियो सप्लाईज क्रेडिट 700 रुपए। अब क्लियर हुई ये, अब एंट्री क्लियर हुई? क्या कह रहे हो सर? ये स्टूडियो सप्लाईज की एंट्री दोबारा बताइएगा काइंडली। एक मिनट, हाँ क्रेडिट क्या हो रहा है ये देख रहे हो, ये समझ आ रही है? देखो सप्लाईज का अकाउंट रिड्यूस हो गया ना, एसेट अकाउंट है ना सप्लाईज, देखो लिखा हुआ है स्टूडियो सप्लाईज
7600 ट्रायल बैलेंस को देखो 7600 ठीक है। अब वो कह रहा है कि दिसंबर में जो इसमें अमाउंट में आ रहा है 6900 है, ट्रायल बैलेंस में है 7600। आपको बताया था ना ये सप्लाईज की एंट्री हम महीने में एक दफा करते हैं ठीक है, आपकी इश्यूएंस हो रही होती है लेकिन एंट्री नहीं की जाती, मंथ एंड पे सप्लाईज को काउंट करते, काउंट करने से रिड्यूस कम मिलेगा अमाउंट। तो हमने देखा ट्रायल बैलेंस में 7600 है और फिजिकली समझो ये जो ऑन हैंड जो है वो 6900 का अमाउंट है, तो डिफरेंस कंज्यूम हो गया, इस कंज्यूम की एंट्री डिफरेंस लिया तो 700 आया। ठीक हो गया सर, समझ आ गया, समझ गए और सप्लाई सर समझ गए, क्लियर है। चलो और कोई स्टूडेंट कह रहा था नहीं समझ आई, एक्सक्यूज मी सर, अगर ये सर मेरा एक क्वेश्चन है, बोलो क्या सर, ये अगर यहाँ पे लिखा हुआ सप्लाई ऑन हैंड, अगर ये ऑन हैंड की जगह एक्सपेंस लिखा होता फिर क्या एंट्री करते? फिर से बोलो, जोर से बोलो माइक के सामने। सर मैं कह रहा हूँ स्टूडियो सप्लाई ऑन हैंड यहाँ पे लिखा हुआ है ना, तो अगर ऑन हैंड जो है उसकी जगह अगर एक्सपेंस लिखा होता तो हम क्या एंट्री करते? एक्सपेंस एक्सपेंस नहीं लिखा होगा इसमें, हमेशा सप्लाईज के केस में यही आएगा कि सप्लाईज ऑन हैंड, एक्सपेंस तो आप खुद कंप्यूट करोगे यहाँ पे सप्लाईज में हमेशा, क्योंकि एक्सपेंस कैसे होगा आपको बताया सप्लाईज की एंट्री नहीं हो रही है ठीक है। अगर एक्सपेंस में अमाउंट में पहले से पड़ा हुआ है इसका मतलब वो दिसंबर का नहीं है, वो नवंबर तक का है ठीक है। अगर 12वां महीना है तो 11 महीने से चार्ज हुआ, 12वें महीने में जो सप्लाईज एक्सपेंस हमें कंप्यूट करना पड़ेगा, फिजिकली काउंट करके पता लगा सप्लाईज के अकाउंट में स्टूडियो सप्लाईज में अमाउंट रिड्यूस हो गया तो वो डिफरेंस लेंगे, सप्लाईज तो कितना ट्रायल बैलेंस में और अब कितना है वो डिफरेंस वो एक्सपेंस होगा ठीक है। इसमें एक्सपेंस आपने कंप्यूट करना होगा सप्लाईज के केस में हमेशा ठीक है। अब क्लियर हो गई बात? यस सर। जी क्योंकि इसकी डे टू डे एंट्री नहीं हो रही होती सप्लाईज में। अच्छा अब आ जाओ थर्ड पे, देखो सप्लाईज की एंट्री हमेशा ऐसे ही सवाल होगा, प्रैक्टिकली भी ऐसे ही होता है। नंबर थर्ड ऑन अगस्त फर्स्ट, देखो ऑन अगस्त फर्स्ट 2020, देखो आज की तारीख इस वक्त है, आप इस वक्त December 31st 2020 में बैठे हुए हैं, आप ये अपने को तसव्वुर करो ठीक है। अब वो कह रहा है ये 1st अगस्त 2020 को इंटरप्राइज परचेज 6 मंथ इंश्योरेंस पॉलिसी ठीक है, इंटरप्राइज ने इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदी थी अगस्त के महीने में, अगस्त के महीने में फॉर 1500 6 मंथ की, याद रखो 1500 जो पर इंश्योरेंस पॉलिसी परचेज की थी वो 6 महीने तक वैलिड थी ठीक है। इसका मतलब है कि एक्सपेंस अगस्त का सितंबर अक्टूबर नवंबर ये एंट्री हो चुकी है बुक्स के अंदर। आपको ऊपर सवाल में भी दिया हुआ था कि बियर इन माइंड, देखो कि आपको जो एंट्री है आपने 1 महीने की एंट्री करनी है ठीक है। देखो ऊपर क्वेश्चन में भी आपको दिया हुआ है बियर इन माइंड दैट एडजस्टिंग एंट्रीज हैव ऑलरेडी बीन मेड फॉर द फर्स्ट 11 मंथ ठीक है। इसका मतलब सिर्फ आपको दिसंबर की एंट्री पास करनी है और ये दिसंबर ये जो इंश्योरेंस परचेज किया था 6 महीने का था ये है, सेकंड में देखो थर्ड में, और अमाउंट पे किया था $1500 तो 1 महीने का कितना बना, 1 महीने का अमाउंट क्या आया बोलो जल्दी, हाउ मच अमाउंट, हाँ कितना अमाउंट आ रहा है 1 महीने का, 6 महीने का 6 मंथ्स है 1500, 1 मंथ कितना हुआ डिवाइड कर दो 1500 को 6 से तो 250 हुआ, ये रिकॉर्ड करना हमने एक्सपेंस 1 महीने का रिकॉर्ड करना ठीक है। पहले ही बता दिया कि वो सब एक्सपेंस रिकॉर्ड हो चुके, तो किस तरह आया है इंश्योरेंस, अब क्या एंट्री होगी बोलो, इंश्योरेंस एक्सपेंस डेबिट कितने अमाउंट से 250, शाबाश 250 ठीक है, इंश्योरेंस एक्सपेंस डेबिट बाय 250 ठीक है,
250 और क्रेडिट क्या करेंगे, व्हाट विल बी क्रेडिट पेड टू द प्रीपेड, नहीं देखो आप देखो ट्रायल बैलेंस की तरफ जा, देखो जाके वहां लिखा हुआ है अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस है, एसेट अकाउंट जो है वो प्रीपेड नहीं खोला कंपनी ने, अनएक्सपायर्ड हो सकता है या प्रीपेड, इसलिए प्रीपेड इंश्योरेंस को क्रेडिट करेंगे, ठीक है, जो अकाउंट खुला हुआ है ना प्रीपेड इंश्योरेंस क्रेडिट बाई 250, ठीक है, इसलिए प्रीपेड को कर रहे हैं क्योंकि इस नाम से अकाउंट खुला हुआ है, ठीक है, प्रीपेड क्रेडिट हो गया, ठीक है आपका, तो देखिए 250, ठीक है, ये देखो अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस, और ये अब आपने नरेशन दे दी छोटी सी, ठीक है, क्या नरेशन देंगे, टू रिकॉर्ड इंश्योरेंस एक्सपेंस एक्सपायर्ड ड्यूरिंग द मंथ ऑफ दिसंबर, ठीक है, एक महीने का इंश्योरेंस एक्सपायर हो गया, 250 की एंट्री, क्लियर हो गया सबको, एंट्री दोबारा समझा, अभी भी नहीं हुआ, देखो थर्ड ऑन अगस्त 1st 2020 इंटरप्राइज परचेज है, एक परचेज किया था 1st अगस्त को इंश्योरेंस पॉलिसी 1500, इंटायर अमाउंट प्रीमियम और इनिशियली डेबिटेड टू अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस, ये भी आपको क्लियर कर दिया, ट्रायल बैलेंस में भी नजर आ रहा है, ठीक है, 6 महीने का था और 1 महीने का भी इंश्योरेंस रिकॉर्ड कर रहा है, ये भी पता है कि अब पिछले सारे महीने के रिकॉर्ड हो चुके हैं एक्सपेंस, तो क्या करेंगे 6900 को 6 से डिवाइड किया, ठीक है 6900 को 6 से डिवाइड किया क्योंकि 6 महीने का था, तो ये आ गया $250, तो ये एक्सपेंस हो गया, तो इंश्योरेंस एक्सपेंस डेबिट और अनएक्सपायर्ड एसेट को कम किया, अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस के नाम से प्रीपेड नहीं है तो क्रेडिट कर दिया, और यहाँ पर नरेशन दे दिया कि भाई रिकॉर्ड इंश्योरेंस एक्सपेंस एक्सपायर्ड ड्यूरिंग द मंथ ऑफ दिसंबर, 1 महीने का, तो वो हमने रिकॉर्ड कर लिया, इस तरीके से आपकी एंट्री आ गई, ठीक है, अब नेक्स्ट पे आओ, शाबाश, कम टू द नेक्स्ट फोर्थ वन, क्या है देखो, स्टूडियो इज लोकेटेड इन रेंटेड बिल्डिंग, क्या कह रहा है, स्टूडियो इज लोकेटेड इन ए रेंटेड बिल्डिंग, ठीक है, यानी बिल्डिंग जो है जो ऑफिस है वो रेंट पे लिया हुआ है, दूसरे लफ्जों में क्लियर हो रहा है, ऑन नवंबर 1st, अब कंपनी ने नवंबर आज फौरन, अभी देखो आप इस वक्त 31st दिसंबर 2020 में हो, ठीक है, नवंबर 1st, इसका मतलब नवंबर दिसंबर 2 महीने पहले की बात कर रहा है, और नवंबर 1st कंपनी द स्टूडियो पेड 6000 रेंट इन एडवांस फॉर 3 months, 3 महीने का एडवांस रेंट पे किया था इस स्टूडियो ने, यानी कि इस कंपनी ने 6 महीने 3 महीने का एडवांस पे किया था 3 months का नवंबर के महीने में, ठीक है, तो 1 महीने का एडवांस, 1 महीने का रेंट कितना हुआ, डिवाइडेड बाई 3, 2000, इसका मतलब ₹2000 नवंबर में रिकॉर्ड हो चुके होंगे, ठीक है, अब दिसंबर में हमने रिकॉर्ड करना है, फिर जनवरी में भी करेंगे, तो हमारा 1 महीने का रेंट एक्सपायर हो गया, 6000 डिवाइडेड बाई 3, तो 2000 है, 2000 हमारा आएगा रेंट एक्सपेंस है, और क्रेडिट क्या होगा, प्रीपेड रेंट, देखो प्रीपेड रेंट का अकाउंट होना चाहिए यहाँ पर, या अनर्न या अनरिकॉर्डेड अनएक्सपायर्ड रेंट, प्रीपेड स्टूडियो रेंट, ठीक है, देखो लिखा हुआ है प्रीपेड स्टूडियो रेंट, देखो इसीलिए इसमें 4000 नजर आ रहा है, नवंबर का ले चुका है वो, इसलिए एसेट कम हो गया, ठीक है, तो क्या एंट्री हुई, स्टूडियो रेंट डेबिट, देखो स्टूडियो रेंट एक्सपेंस, ये देखिए स्टूडियो रेंट एक्सपेंस ट्रायल बैलेंस में देखो ओपन पहले से, स्टूडियो रेंट एक्सपेंस डेबिट 2000 और प्रीपेड स्टूडियो रेंट क्रेडिट बाय 2000, तो ये एंट्री आ गई, क्लियर हो गई सबको, क्लियर, यस सर, ठीक है, कोई मुश्किल नहीं है बिल्कुल, बच्चा भी समझ जाएगा, अच्छा आ जाओ नंबर 5th पे, देखो अभी आपने याद रखो कि डेप्रिसिएशन अभी पढ़ा नहीं आपने, बट डोंट वरी, ठीक है, वो हम पढ़ेंगे अभी, जब इसमें देखो ये सेंटेंस को मैं रीड करता हूँ अभी, क्या है, यूजफुल लाइफ ऑफ द स्टूडियो रिकॉर्डिंग इक्विपमेंट, ये फिक्स एसेट्स है,
इज एस्टिमेटेड टू बी 5 years. कह रहा है जो स्टूडियो इक्विपमेंट है उसकी लाइफ जो है वो 5 साल है, 5 years. इसका मतलब ये 60 महीने हो गए, 60 months, 12 into 12, ठीक है, ये भी आपको दिया. The straight line deposition is method is used for the deposition expense purpose. स्ट्रेट लाइन डेपोजिशन मेथड, फिक्स एसेट्स का हमेशा डेपोजिशन निकाला जाता है. डेपोजिशन का मतलब होता है कि हम एलोकेट कर रहे हैं फिक्स एसेट्स को एक्सपेंस में, तो 60 मंथ में इसको एलोकेट हो रहा है डेपोजिशन. स्टूडियो रिकॉर्डिंग इन स्टूडियो है, तो कैसे निकालेंगे? स्ट्रेट लाइन का मतलब होता है कि हम एसेट को डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ मंथ से, तो एक महीने का आ जाएगा. नंबर ऑफ मंथ कितने? 60, 60, 5 ईयर. एक महीने का डेपोजिशन रिकॉर्ड करना है ना, तो क्या करोगे? कॉस्ट कितना है? स्ट्रेट लाइन कैसे निकाला जाता है? कॉस्ट डिवाइडेड बाई लाइफ, लाइफ है 60 मंथ्स का, ठीक है. तो कॉस्ट कितनी है? 60,000. तो 60,000 है, सॉरी 90,000 है. तो 90,000 को आप 60 से डिवाइड करो तो कितना आ जाता है? 90,000 डिवाइडेड बाई 60, तो ये आ गया $1,500, ठीक है. क्यों डिवाइड किया 60 से? क्योंकि ये मेथड है, डेफिशन मेथड है कि डेपोजिशन महीने का निकालोगे, कॉस्ट डिवाइडेड बाय द लाइफ, लाइफ है 60 मंथ्स, इसलिए 60 से डिवाइड किया इसको, ठीक है. क्योंकि मंथली चार्ज कर रहे हैं, तो ये आपके पास आ गया 1500. तो ये आपने एंट्री क्या करोगे? इस डेपोजिशन की एंट्री हमेशा होती है डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, ठीक है, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन और एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट. नहीं, ये समझो कॉन्ट्रा अकाउंट है एसेट का अपोजिट, ठीक है. ये क्रेडिट में जाएगा, बाद में लेस हो जाएगा बैलेंस शीट में. तो ये आपने एंट्री की क्या की, ये देखो एंट्री पास हुई आपकी के डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, ठीक है, 1500. अभी बता दिया आपको कैसे आएगा, लेकिन साथ में ये भी लिखोगे डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डैश रिकॉर्डिंग इक्विपमेंट. ये क्यों लिखते हैं? कि इसलिए लिखा जाता है कि आपके पास एक से ज्यादा फिक्स एसेट्स हो सकते हैं, जैसे व्हीकल्स भी है, इक्विपमेंट भी है, बिल्डिंग भी है, तो आप हर एक का अलग अलग डेपोजिशन एक्सपेंस तो रिकॉर्ड करोगे लेकिन सेपरेट होगा. इसका मतलब ये साथ में ये भी लिखोगे डेपोजिशन एक्सपेंस डॉट या डैश रिकॉर्डिंग इक्विपमेंट. किसका डेप्रिसिएशन है? ये रिकॉर्डिंग इक्विपमेंट है. व्हीकल्स और डेप्रिसिएशन का अकाउंट अलग होगा, है, इसलिए वो अलग लिखा, इसलिए इस तरह लिखेंगे. और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट होगा, उसमें भी ऐसे लिखेंगे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डैश रिकॉर्डिंग इक्विपमेंट, ठीक है, ये क्रेडिट होगा. तो ये देखिए एंट्री हो गई, और फिर ये हमने नरेशन में भी दे दिया इसमें, ठीक है. क्लियर हो गई भाई डेप्रिसिएशन की एंट्री सबको? क्लियर प्लीज, समझ गए सब? सर ये जो अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस है इसमें डेप्रिसिएशन एक्सपेंस रिकॉर्डिंग इक्विपमेंट भी दिया हुआ है, वो क्या चीज है? देखो डेप्रिसिएशन जो है, आपको बताया था कि डेप्रिसिएशन जो है हमेशा फिक्स एसेट्स का रिकॉर्ड ही होता है. डेप्रिसिएशन का मतलब होता है कि आपकी ये जो फिक्स एसेट्स है ना, ये तो एसेट है. अब इसको ये भी तो अल्टीमेटली इसकी भी तो लाइफ है ना. देखो तो कोई भी चीज़ आप फिक्स एसेट्स खरीदते हो उसकी लाइफ है, तो उसको हम उसके उसको उस लाइफ में पूरी लाइफ में, एक दिन में नहीं, ये 5 साल लाइफ है. इसका मतलब ये एक्सपेंस 5 साल तक जाएगा, मंथली बेसिस पे तो 60 मंथ हो जाएगा, 60 क्योंकि 6 साल, 5 साल इसकी लाइफ है. तो इसको हमने स्ट्रेट लाइन डेपोजिशन निकालेंगे कैसे, कि एक्सपेंस को समझो हम एसेट की कॉस्ट को एलोकेट कर रहे हैं एक्सपेंस में मंथ वाइज. किस तरह किया? कॉस्ट डिवाइडेड बाय द लाइफ, लाइफ इज 60 मंथ, तो 60 से डिवाइड किया तो ये डेपोजिशन एक्सपेंस हो गया. और क्रेडिट किससे किया? एक्यूमुलेटेड डेपोजिशन रिकॉर्डिंग इक्विपमेंट. ये डेपोजिशन जो है ये आपका चला जाएगा कहाँ पर? इनकम स्टेटमेंट में. और ये एक्यूमुलेटेड डेपोजिशन ये बैलेंस शीट में जाएगा, एसेट में से माइनस होगा. कैसे लिखेंगे बैलेंस शीट में? रिकॉर्डिंग इक्विपमेंट कॉस्ट लेस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, वो नेट हो जाएगा, वो नेट एसेट हो जाएगा वो, ठीक है. इस तरह शो किया जाता है बैलेंस शीट में, ठीक है. क्लियर हो गई? क्लियर? यस सर. चलो आगे चलो नेक्स्ट पे, शाबाश, ठीक है. नेक्स्ट, सबको क्लियर हो रहा भाई? ये मोहम्मद उस्मान, रिमशा, एमन, जवाब दो, सब क्लियर है? यस सर. यस सर. ओके आगे चलो, ठीक है.
क्लास में बैठे हो ये सोच के बैठे हो कि बस मैंने समझना है, ठीक है, इट इज नथिंग, कुछ भी नहीं है ये। आज नेक्स्ट पे आ जाओ नंबर सिक्स के ऊपर। सिक्स में देखो ट्रांजेक्शन क्या है, मुख्तलिफ टाइप्स की ट्रांजेक्शन आपको पढ़ा रहे। और मैं फर्स्ट स्टूडियो बोरोड कह रहा है कि आज फिर आप देखो, फौरन देखो, इस वक्त आप 31 दिसंबर पे बैठे हो, स्टूडियो बोरोड कर्जा लिया स्टूडियो ने $16,000 का और साइन किया है, साइनिंग है 12 months 9% नोट्स पेपर है, और एक लिख के स्टैम्प पेपर पे लिख के दे दिया नोट्स पेपर कि ये हम पैसा जो है आपको 12 महीने में वापस करेंगे, ठीक है, 16,000 किस तरीके से, और 9% इंटरेस्ट भी चार्ज हो रहा होगा एनुअली। द इंटायर अमाउंट आगे भी कह रहा है, इंटायर अमाउंट 16,000 प्लस 12 महीने का इंटरेस्ट एक साथ पे करेंगे, इज ड्यू इन April 31st, 12 महीने पूरे होने के बाद कंपनी एक साथ ये पेमेंट करेगी, समझो ड्यू है, बैंक कह रहा है भाई एक साथ इंटरेस्ट भी पे कर देना और प्रिंसिपल भी वापस कर देना, ठीक है। लेकिन एक महीने का इंटरेस्ट आपने रिकॉर्ड करना है, इस सेंटेंस से क्लियर हो रहा है, एक महीने का इंटरेस्ट रिकॉर्ड करना आपने है, इसका मतलब मई में इंटरेस्ट रिकॉर्ड हो चुका होगा, जून में भी हो गया होगा, जुलाई में भी हो गया होगा, नवंबर तक हो गया होगा, दिसंबर का रिकॉर्ड करना है एक महीने का इंटरेस्ट, ठीक है। आपको ऊपर बता दिया कि सारे महीनों के रिकॉर्ड है, सिर्फ दिसंबर के नहीं, तो इंटरेस्ट एक महीने का क्या आएगा भाई बताओ, एक महीने का इंटरेस्ट क्या आएगा 9% के हिसाब से, जल्दी से बोले। 7,440 देखते हैं अमाउंट है, 16,000 का 9% दिया तो ये तो आया आपका पूरे 12 महीने का डिवाइड कर दिया 12 से तो कितना आया 120। आपने क्या बोला भाई, वो तो 9% में तो एक साल का बनेगा ना, एक साल में 12 महीने होते हैं तो 12 से डिवाइड किया तो सिर्फ 120 बना इंटरेस्ट एक्सपेंस, तो इंटरेस्ट एक्सपेंस हम रिकॉर्ड करेंगे एक महीने का सिर्फ 120, ठीक है, क्लियर। यस सर, ठीक है, इंटरेस्ट एक्सपेंस सर एक बार रिपीट कर देंगे सर, ये समझ नहीं आई बात, एक बार रिपीट कर दें, फिर रिपीट कर देते हैं, आप वरी नहीं करें, टेंशन नहीं ले। देखिए सेंटेंस को फिर देखो, सी द सेंटेंस, ठीक है, देखिए क्या लिखा है, 7th, 6th वाला है, मैं फर्स्ट स्टूडियो बोरोड $16,000 बाय इशूइंग ए 12 months 9% नोट्स पेएबल, ठीक है, 12 months का मतलब है ये 12 महीने का है ये लिया है, और इस पर इंटरेस्ट कितना ले रहा है बैंक 9%, जाहिर है इंटरेस्ट रेट जो होता है वो जो रेट होगा वो एक साल का रेट होता है ना, वो जब आप इसका 9% दे हो तो वो एक साल का इंटरेस्ट आएगा, हमें तो एक महीने का रिकॉर्ड करना, ठीक है, तो हम इसीलिए 12 से डिवाइड कर देंगे, 16,000 का आपने 9% लिया, 16,000 × 9%, ठीक है, और फिर डिवाइडेड बाय 12 तो एक महीने का इंटरेस्ट कितना बना दिसंबर का ₹120, तो $120, तो हमने लिखा इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट और इंटरेस्ट पेएबल क्रेडिट, देखो ये अकाउंट भी खुले हुए, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट और इंटरेस्ट पेएबल क्रेडिट, तो ये वहाँ पर प्लस प्लस हो जाएगा, ठीक है, ये हमने नीचे लिख भी दिया, तो रिकॉर्ड इंटरेस्ट एक्सपेंस नोट्स पेबल फॉर द मंथ, ठीक है, अब क्लियर हो गया जी सर। चले आगे चले, नेक्स्ट पे आइए 7th पे, 7th क्या है, रिकॉर्ड शो दैट 3,600 ऑफ कैश रिसीट्स ओरिजिनली रिकॉर्डेड एज, देखो ये वही केस आ गया ना, देखो रिकॉर्ड शो दैट आपने वो डेफरल है, पहला पैसा पहले से वसूल कर रहे हो, 3,600 कैश रिसीव हुआ ओरिजिनली रिकॉर्डेड, ये ओरिजिनली रिकॉर्ड हो गया था जनरल इंट्री में अनअर्न स्टूडियो रेवेन्यू है, किस तरह रिकॉर्ड हुआ होगा, कैश डेबिट अनअर्न स्टूडियो रेवेन्यू 3,600, और कह रहा हैड बीन अर्न ऑन दिसंबर, अब अर्न ये सारा अर्न हो गया सारे का सारा, क्या एंट्री हुई इसकी बताओ, हाँ बोलो,
मोहम्मद सर अनअर्न रेवेन्यू क्रेडिट होगा और अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट होगा। डेबिट क्या होगा? अनअर्न रेवेन्यू। अनअर्न रेवेन्यू डेबिट होगा, क्यों होगा? क्योंकि लायबिलिटी रिड्यूस हो रही है। अनअर्न रेवेन्यू ये किस नाम से बुक में देखो, अनअर्न स्टूडियो नहीं, अनअर्न स्टूडियो रेवेन्यू, अनअर्न स्टूडियो रेवेन्यू डेबिट, अनअर्न स्टूडियो रेवेन्यू डेबिट इसी अमाउंट से। और क्रेडिट किसको करेंगे? स्टूडियो रेवेन्यू अर्न क्रेडिट, क्योंकि इसमें कोई अकाउंट रिसीवेबल का इन्वॉल्वमेंट कोई नहीं है। तो ये देखो एंट्री की है, देखिए अब देखिए ये देखिए उसी हिसाब से देखिए अनअर्न स्टूडियो रेवेन्यू डेबिट 3600 से, क्योंकि फुल अमाउंट अब आपका अर्न हो गया ना। और स्टूडियो रेवेन्यू उसने पहले बता दी आपको कि इनिशियली ये रिकॉर्ड कैसे हुआ था, देखो लिखा हुआ बिल्कुल। और मैं स्टूडियो बारोड सॉरी रिकॉर्ड शो दैट 3607 पढ़ रहे हैं, कैश रिसीट्स ओरिजिनली रिकॉर्डेड एज अनअर्न स्टूडियो रेवेन्यू, यानी कि एंट्री हुई होगी कैश डेबिट अनअर्न स्टूडियो, अब ये अर्न हो गया इसलिए अनअर्न स्टूडियो रेवेन्यू डेबिट और स्टूडियो रेवेन्यू अर्न क्रेडिट। और टू रिकॉर्ड अनअर्न स्टूडियो रेवेन्यू नाउ अर्न, ठीक है, उसी को हमने अर्न कर लिया तो इसलिए ये रिकॉर्ड कर दिया। ठीक है, क्लियर हो गया? ठीक है, बोलो नेक्स्ट पे चले। 12 पे क्या है नेक्स्ट? 12th है, 8th है, देखो सैलरीज अर्न बाय द बाय रिकॉर्डिंग टेक्नीशियंस, यानी कि ये एम्प्लॉइज एंड टेक्नीशियंस उन्होंने सैलरी अपनी अर्न कर ली है दैट रिमेन अनपेड एट दिसंबर, अनपेड है अमाउंट 5000, यानी कि ये क्या हुआ इसमें फॉल हो रहा है, ये अक्रूड एक्सपेंस में ये फॉल हो रहा है, एक्सपेंसिज इनकर्ड बट नॉट येट पेड एंड रिकॉर्डेड, ये उस कैटेगरी में आ गया ना। देखो सैलरीज हमेशा अक्रू रहेगी, सैलरीज अर्न बाय द रिकॉर्डिंग टेक्नीशियंस 31 दिसंबर को बट रिमेन अनपेड एंड दिसंबर 31 अमाउंटेड टू कितना है $540। क्या एंट्री हुई भाई, क्या एंट्री करेंगे अब इसकी? हाँ मोहम्मद बिलाल, मिस्टर मोहम्मद बिलाल, क्या एंट्री होगी इसकी? बोले मिस्टर बिलाल भाई, मेरी आवाज सुन रहे हैं आप? सर अनपेड है तो 540 जो है वो क्रेडिट में आएगा। डेबिट क्या होगा? अरे डेबिट बोलो ना फिर क्रेडिट बोलो भाई, एक्सपेंस इनकर हो गया, रिकॉर्ड नहीं किया, ठीक है, तो हमने क्या एंट्री की? कौन सा इंटरेस्ट है? ये सैलरीज है, तो सैलरीज एक्सपेंस डेबिट और सैलरीज पेबल क्रेडिट। कितना आसान है यार, KG1 का बच्चा ही बता देगा, सैलरीज एक्सपेंस डेबिट और सैलरीज पेबल क्रेडिट। ठीक है, आपको कितना वो अक्रूड एक्सपेंसिस अक्रूड रेवेन्यू का बताया था अभी, अब फिर भूल रहे हो सब। तो देखिए आपकी एंट्री हो गई सैलरीज एक्सपेंस डेबिट, ठीक है, और सैलरीज पेबल लायबिलिटी क्रिएट हुई कौन सी, सैलरीज की, सैलरीज पेबल क्रेडिट, ये डायरेक्शन दे दिया इसमें। फिर क्या, टू रिकॉर्ड सैलरीज पेबल एट मंथ एंड, ठीक है, एट मंथ एंड ऑफ एंड मंथ एंड ऑफ दिसंबर 31, ठीक है, ये डायरेक्शन दे दिया इसमें। क्लियर, 540 है बोलो, और ये अक्रूड एक्सपेंसेस है, ठीक है, अभी पढ़ाया भी था आपको अक्रूड एक्सपेंसेस। क्लियर, नेक्स्ट स्टूडियो देखो, अब ये इनकम टैक्स को समझो आप, अभी आपको मैं समझाऊं,
इनकम टैक्स को कैसे रिकॉर्ड कर लें। देखो इनकम टैक्स जो होता है कंपनी प्रैक्टिकली इनकम टैक्स मंथली बेसिस पे प्रोविजन कर रही होती है, ठीक है, प्रोविजन कर रही थी। जब ईयर क्लोज हो जाता है ना तो फिर पूरे साल का ऑडिटेड अकाउंट्स जब होते हैं उससे इनकम टैक्स कैलकुलेट होता है, ठीक है। बाकायदा इनकम टैक्स रिटर्न्स के अंदर जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का फॉर्म है उसमें कैलकुलेट किया जाता है कि भाई पूरे साल का इंटरेस्ट इनकम टैक्स अमाउंट बन क्या रहा, ठीक है। और अब उसकी एंट्री कैसे पास करेंगे, देखो क्या लिखा हुआ है, स्टूडियो अकाउंटेंट एस्टिमेट दैट इनकम टैक्स एक्सपेंस फॉर द इंटायर ईयर कितना है 19,600 है। कह रहा है कि अकाउंटेंट ने निकाला है कि पूरे साल का इंटरेस्ट इनकम टैक्स कितना बन रहा है 9,600। तो आप क्या एंट्री करोगे है? बोले मिस्टर बताएं, पूरे साल का इनकम टैक्स बन रहा है 19,600। मिस्टर रिजवान नूरुद्दीन आप जवाब दीजिए, पूरे साल का इंटरेस्ट एक्सपेंस सॉरी इनकम टैक्स एक्सपेंस बन रहा है 19,600, क्या इसी से एंट्री करेंगे हम? क्या एंट्री होगी इनकम टैक्स एक्सपेंस है सर, इस दैट इनकम टैक्स एक्सपेंस जो है द एंटायर ईयर तो वो यही आएगी 19,600। देखो आप जब भी इनकी इसकी एंट्री करोगे तो इस अमाउंट से नहीं करोगे, आप पहले देखोगे कि ट्रायल बैलेंस में कितना अमाउंट पहले से मौजूद है, ठीक है। इनकम टैक्स की एंट्री देखो उसने लिख दिया है, स्टूडियो अकाउंटेंट एस्टिमेट देते हैं इनकम टैक्स में फॉर द इंटायर ईयर 19,600। अब हमने देखना है इनकम टैक्स एक्सपेंस ट्रायल बैलेंस क्या शो कर रही है, तो देखो ट्रायल बैलेंस में जाके देखा तो वहां तो 17,900 पहले से मौजूद है, ठीक है। इसका मतलब हमने 17,900 का प्रोविजन कर चुके हैं, अब रिमेनिंग करेंगे हम। पूरे साल का बन रहा है 19,600, इसमें से इसको माइनस किया, ठीक है, माइनस किया 17,900 को, हमें ये लाना है फिगर, तो पता लगा सिर्फ 1700 की एंट्री होगी। 1700 की एंट्री करेंगे तो 19,600 बन जाएगा, ठीक है। इनकम टैक्स की एंट्री इस तरह की जाती है, ठीक है, हमेशा फौरन देखोगे ट्रायल बैलेंस में कितना हम पहले से ले चुके, ठीक है। तो हमने देखा कि ट्रायल बैलेंस में गए तो ट्रायल बैलेंस में हमने देखा कि वही क्या नाम है वहां तो पहले से मौजूद है कितना एक्सपेंस 17,900 मौजूद है और हमें लाना है 19,600, इसमें से माइनस किया तो सिर्फ 1700 अमाउंट बन रहा। तो फिर हमने इसकी एंट्री की इनकम टैक्स एक्सपेंस डेबिट और इनकम टैक्स पेएबल क्रेडिट। क्लियर हुई बात भाई सबको? यस सर। देखो ऐसा भी हो सकता था, गौर से सुनो मेरी बात, गौर से सुनो, जब हम ट्रायल बैलेंस में गए तो वहां पर पता लगा 19,600 तो यहां पर मौजूद है और वहां पर 20,000 अमाउंट पड़ा हुआ, इससे भी ज्यादा अमाउंट पड़ा हुआ है, क्या करोगे? एंट्री को ये रिवर्स कर देंगे है? वहां पर ट्रायल बैलेंस में ऐसा भी हो सकता है कि वहां 20,000 पड़ा हुआ है, एक्सेस अमाउंट पड़ा हुआ है। कितने अमाउंट है ये? 400 से एक्सेस है। तो हम क्या करेंगे, इनकम टैक्स पेबल डेबिट 400 रुपए और इनकम टैक्स एक्सपेंस क्रेडिट 400 रुपए। ऐसा भी होता है और ऐसा भी सवाल आ सकता है आपको, ठीक है, जितना इनकम टैक्स बन रहा है उससे ज्यादा प्रोविजन कर चुके हैं क्योंकि वो एस्टिमेटेड बेसिस पे ना, अब हमें ये लाना है। तो एंट्री फिर क्या होगी, इनकम टैक्स पेबल डेबिट 400 रुपए और इनकम टैक्स एक्सपेंस क्रेडिट 400 रुपए इन केस ऐसे केस। बात मेरी बात समझे सब लोग, क्या कहा मैंने? यस सर। ठीक है सर, ये सैलरी एक्सपेंस की एंट्री ठीक नहीं लग रही मुझे। सैलरी एक्सपेंस में सर एंट्री ठीक नहीं लग रही, इसकी अमाउंट नहीं लिखी हुई सैलरी एक्सपेंस की आगे। क्या लिखी हुई है? हाँ वो आप कह रहे हो अमाउंट सर ऊपर नीचे हो गया शायद, ये कह रहे हो ना? जी बिल्कुल सर। हाँ मैं इसको सही कर रहा हूँ, ये गलत लिखा हुआ, थैंक यू भाई। ये चीजें ये ऑब्जर्व कर रहे हैं, और कोई स्टूडेंट पहले भी ऐसा हुआ था, इन्होंने ऑब्जर्व किया था, बाकी स्टूडेंट सब खामोश बैठे हुए, ठीक है।
सैलरीज इसी रो में लिखना चाहिए था ना, सैलरीज एक्सपेंस डेबिट सैलरीज पेबल क्रेडिट, ठीक है। अच्छा अब आप ये इनकम टैक्स के केस को समझे, ठीक है, इसी तरह का केस होगा इनकम टैक्स का हमेशा, ठीक है, क्योंकि इसका प्रोविजन प्रैक्टिकली हो रहा होता है, लेकिन जब जब ईयर एंड होता है ना तो इसका फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का एक रूल होता है, फॉर्म होता है, उसमें वो एक्सपेंस बहुत से एक्सपेंस वो डिसअलाउ कर देते हैं, ठीक है, उस हिसाब से फिर साल का एक्सपेंस बनता है वो ऑडिटेड अकाउंट्स के बाद। अब हमने बुक्स में गए कितना पड़ा हुआ है उसको देखते हुए एंट्री की जाती है, ठीक है। बाज़ोगाद इंटरेस्ट एक्सपेंस इनकम टैक्स एक्सपेंस डेबिट भी हो सकता है, क्रेडिट भी हो सकता है डेबिट के बजाय, ठीक है, हमेशा डिफरेंस से एंट्री होती है ये, ठीक है। तो ये आपको ये इनकम टैक्स का केस ऐसे ही आएगा हमेशा, और सप्लाईज का भी केस मैंने बता दिया, डेप्रिसिएशन का भी केस बता दिया, ठीक है। तो अब ये क्लियर हुआ सबको? जी सर, ठीक है। ये एडजस्टिंग, अच्छा आप याद रखो कि देखो जब हम एडजस्टिंग एंट्री पास कर देते हैं ना, तो अब रिक्वायरमेंट है आपकी कि भाई आप एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बनाओ। तो एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फौरन आपने जो अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस है ना, जो अमाउंट वहां पर मौजूद है उसके अंदर देखेंगे शुरू से हम, जैसे अब हम एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस है रिक्वायरमेंट टू में, ठीक है, टाइम है ना अभी, हाँ है थोड़ा, देखो बताओ आप गौर से सुनो मेरी अब बात करो। एडजस्टिंग एंट्री पास हो गई, अब एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में मकसद है कि ये जो एंट्रीज हुई है ना इनको हमने उसमें इनकॉर्पोरेट करना है। आपसे लेजर अकाउंट तो मांगा नहीं है, ठीक है, आपने उसी ट्रायल बैलेंस में इसको प्लस माइनस कर दें, ठीक है, प्लस माइनस करना, ठीक है। अब आपने एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में गए, देखो यहाँ देखो पहले तो ये लिखा आपने, देखो ये फाइल शेयर हो रही है, यस सर, देखो मैंने इसको इसलिए अभी कोई भी अमाउंट यहाँ लिखा नहीं, यहाँ लिखा जॉनसन एंड जॉनसन इंटरप्राइज एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस एज ऑन 31 दिसंबर। देखो कैश हमें पता है, बगैर कुछ सोचे समझे कैश में तो चेंज आएगा ही नहीं है, एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में जो जो अमाउंट था उसमें वही अमाउंट यहाँ आ जाएगा, वन बाई वन आप टॉप से चलोगे, देखो देखो कैश हमने फौरन वही लिख देंगे अमाउंट 43173, इसमें चेंज आएगा नहीं, ठीक है। अब देखो सेकंड पे गए अकाउंट्स रिसीवल, अब सेकंड अकाउंट रिसीवल आ रहा है, ठीक है। अब फौरन आप देखो अकाउंट रिसीवल इस वक्त ट्रायल बैलेंस में अमाउंट कितना है, देखो ट्रायल बैलेंस की फिगर आप अपने कैलकुलेटर पे उठा लो, कितनी फिगर है 81,000 अकाउंट रिसीवल में, देखो चेंज आया है, हमें पता है कि एंट्री हुई है 81,400। अब फॉरन गए एडजस्टमेंट में, कोई अकाउंट रिसीवल डेबिट क्रेडिट हो रहा है, देखा फॉरन देखो है कैलकुलेटर में मैंने फिगर ले ली 81,400, ठीक है। और आप गए आप एडजस्टिंग एंट्री में, देखो फॉरन एडजस्टिंग एंट्री में आप गए, ठीक है, आपने देखा कोई अकाउंट रिसीवल डेबिट या क्रेडिट हो रहा है, देखिए देखिए जल्दी से ऊपर से जाएंगे, देखिए कोई भी नहीं है ना, अकाउंट रिसीवेबल तो कोई नहीं आ रहा है ना, ठीक है, देखा पर आ रहा है फर्स्ट पे ये अकाउंट रिसीवेबल जो कौन सा ट्रांजैक्शन है नंबर 4400 की 4400 एक मिनट, हाँ पहले ही पहले ही देखो 4400 है ना, 4400 डेबिट हो रहा है, इसका मतलब पहले से जो मौजूद है उसमें ये प्लस हो जाएगा ना, फिर है ना प्लस हो जाएगा ना, ये डेबिट डेबिट 4400, ठीक है 4400। और इसको मैंने क्या किया, देखो इसको हमने अकाउंट फॉर कर दिया, ठीक है, हमने जैसे अब अगर आप मैन्युअली बैठे हो तो आपने पेंसिल से मार्क कर दिया, मैंने मैंने इसको रेड कर दिया कि मैंने उसको ले लिया, ठीक है, और कोई और इसके अलावा नहीं है, ने? सारे अमाउंट देखे ने? इसके अलावा एक ही एंट्री आई है अकाउंट रिसीवेबल की, तो अकाउंट रिसीवेबल को हमने देखिए देखिए
ठीक है, 4400 प्लस किया तो कितना बन गया, ये कितना हो गया अमाउंट बोलो सर? 85,800 यहाँ लिखा 85,800 ठीक है, ये देखो 85,800 ठीक है, ये मैंने हमारा ये अमाउंट हो गया ठीक है। और अब देखो अब क्या करेंगे, देखो फिर गौर से सुनो कि आपने यहाँ पर क्या किया, आपने अपनी याद दहानी के लिए कि हमने इसको रेड कर दिया, पता है हमें डेबिट को तो हमने अकाउंट फॉर कर दिया, क्रेडिट को भी अकाउंट फॉर नहीं किया ठीक है, इस और अकाउंट रिसीवेबल कोई नहीं आ रहा है, सारे देखे हमने एक ही था उसमें प्लस कर दिया क्योंकि डेबिट है वो भी डेबिट है ठीक है। और आगे फिर हम गए एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में कि नेक्स्ट आइटम क्या है, स्टूडियो सप्लाईज है, इसको सही करना है स्टूडियो सप्लाईज को ठीक है, स्टूडियो सप्लाईज। अब हमने देखा स्टूडियो सप्लाईज को के अमाउंट को कैलकुलेटर पे ले लिया, फिर से कितना है 7,600। और से मेरी बात सुनो, प्रैक्टिकली मैं आपको समझा रहा हूँ कि प्रैक्टिकल अकाउंटेंट यही कर रहा होता है, 7,600। अब फौरन गए आप एडजस्टिंग एंट्री में कि स्टूडियो सप्लाईज स्टूडियो सप्लाईज कोई डेबिट क्रेडिट हो रहा है, देखा तो स्टूडियो सप्लाईज सेकंड के अंदर क्रेडिट हुआ है सर, क्रेडिट हो रहा है होगा ना है, ये माइनस होगा ना इसमें से, क्रेडिट हो रहा है स्टूडियो सप्लाईज 700 रुपए, तो ये इसको 700 रुपए हमने इसमें से माइनस कर दिया ठीक है, ये वाला अमाउंट स्टूडियो सप्लाईज को, अभी एक ही अकाउंट को छेड़ है ना, तो ये हमने इसको ये, और इसको हमने कह दिया कि इसको हमने एडजस्ट कर दिया, इसकी ये तो हमने ले लिया रेड कर दिया इसको, चलो याद दहानी के लिए अपनी नहीं, ये हमने अपनी याद दहानी के लिए करा रहे स्टूडियो सप्लाईज को क्रेडिट हो रहा है, इसलिए उसमें से स्टूडियो सप्लाईज में से ये माइनस हो गया, एक्सपेंस को अभी नहीं लिया है। और आगे गए और तो कोई एंट्री नहीं है इसकी है, अभी हमने याद है सब ठीक है, और कोई एंट्री नहीं आई स्टूडियो सप्लाईज की ठीक है। तो अब हमने कहा कि माइनस करने के बाद 6,500, ये 6,500 फिर हमने फौरन यहाँ पर लिख दिया, समझ गए, समझ रहे हो ना मेरी बातें? यस सर। ठीक है, तो एक एक और करते हैं, इसके बाद फिर ये ट्रायल बैलेंस आपका होमवर्क होगा ठीक है, इस ट्रायल बैलेंस को आप लोग कंप्लीट करोगे। अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस आ रहा है उसी ऑर्डर में ये लिखे हुए हैं, ट्रायल बैलेंस जो अनएडजस्टेड है देखो, अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस पहले तो हमने इसको कैलकुलेटर पे ले लिया, इसके अमाउंट को अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस कितना है 7,000, अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस है कितना अमाउंट है ₹500 $500 ठीक है, अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस ठीक है। अब इधर गए आप, कोई एंट्री तो नहीं है इसकी, देखा अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस की है कोई एंट्री बोलो, ₹200 yes, आ रही है, है। और ये डेबिट हो रही है अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस, क्रेडिट हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है अमाउंट, तो ₹200 250 इसमें से माइनस कर दिया हमने पिछले बैलेंस में से कैलकुलेटर पे, तो 250 रह गया और इसको हमने अकाउंट फॉर कर लिया है क्योंकि इसको हमने रेड मार्क कर दिया अपनी याद दहानी के लिए ठीक है, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है हमने, ताकि हमसे गलती ना हो। और कोई एंट्री आ रही है भाई स्टूडियो अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस की? तो देखा और कोई एंट्री नहीं है, है ना, ये देखना पड़ेगा। और यहाँ पर गए 250 हो गया।